हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में मैं हिमाचल प्रदेश के 7 महीने के करंट अफेयर कवर करूंगा। 1 जनवरी 2017 से 31 जुलाई 2017 हिमाचल प्रदेश में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस या जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, टीचर्स की भर्तियाँ हैं, कोई भी लोकल लेवल का रिक्रूटमेंट है, उसमें ये आपकी काफ़ी मदद करेंगे। अगर आप SSC, CGL, बैंक PO या UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेनड्राइव कोर्सेज उपलब्ध हैं। 21 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक 7 दिन हमारी सेल भी चल रही है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। कोई भी पेनड्राइव कोर्स SSC, बैंक PO या UPSC के लिए आप खरीदना चाहते हैं तो फिर इन दिए हुए 3 नंबर में से एक पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर studyiq.com पर जाकर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण की। स्वच्छ सर्वेक्षण में भारत के 434 शहरों ने पार्टिसिपेट किया और इसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि कौन सा शहर कितना साफ है। अगर आप देखें तो इसमें एक स्कोर दिया गया है, जैसे कि म्यूनिसिपल सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी जो सफाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है म्यूनिसिपैलिटी, वो अपना स्कोर देगी। जाकर भी चेकिंग होगी वहाँ पर देखकर कि कितना साफ है, और सिटीजन से भी फीडबैक लिया जाएगा। तो टोटल एक क्यूमुलेटिव स्कोर है, उसके हिसाब से भारत के 12 सबसे साफ सुथरे शहर ये हैं। इंदौर है पहले नंबर पर, दूसरे पर भोपाल, ये दोनों हैं मध्य प्रदेश में। अगर मैं भारत के 50 सबसे साफ सुथरे शहर देखूँ तो उनमें सबसे ज़्यादा हैं गुजरात के 12, फिर है मध्य प्रदेश के 11, फिर है आंध्र प्रदेश के 8। आप देख सकते हैं यहाँ पे शुरू के 12 जो सबसे साफ सुथरे शहर हैं उनके नाम फटाफट बता देता हूँ। इंदौर है मध्य प्रदेश का, भोपाल भी मध्य प्रदेश, विशाखापट्टनम सूरत गुजरात में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मैसूरू, याद रखिए मैसूर पिछले साल और उससे पिछले साल नंबर वन था, 2 साल से लगातार नंबर वन था लेकिन इस साल खिसक गया 5वें नंबर पे। तिरुचिपल्ली जिसे त्रिची बोलते हैं तमिलनाडु में, फिर नई दिल्ली, नावी मुंबई, तिरुपति, वडोदरा, चंडीगढ़ और उज्जैन, ये हैं 12 सबसे साफ सुथरे भारत के शहर और इनमें हिमाचल प्रदेश का कोई भी शहर नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश ने कैसा परफॉर्म किया आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिर्फ 2 ही शहर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और 434 जो शहर हैं इनमें शिमला रहा 47 नंबर पर और कुल्लू रहा 259, यानी हिमाचल प्रदेश का सबसे साफ सुथरा शहर है शिमला, जिसकी रैंक है 47 और कुल्लू की है 259। अगर मैं भारत के सबसे गंदे 8 शहरों की बात करूं जो इस सर्वेक्षण के अंदर आए, यानी जो नीचे से 8 रैंक हैं, वो हैं ये 427 से लेकर 434। तो ये हैं सबसे गंदे 8 शहर। सबसे गंदा शहर है गोंडा जो उत्तर प्रदेश में है, फिर भुसावल महाराष्ट्र, बगहा बिहार, हरदोई उत्तर प्रदेश, कटिहार बिहार, भारेच उत्तर प्रदेश, मुक्सर और अबोहर है पंजाब में। तो ये था स्वच्छ सर्वेक्षण। चलिए अब बात करते हैं खुले में शौच मुक्त। खुले में शौच मुक्त को बोलते हैं इंग्लिश में ओपन डिफिकेशन फ्री। जब आप खुले में शौचालय नहीं कर सकते पटरियों पर या जंगल में या रोड के किनारे, तो उसे बोलते हैं ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त। भारत का पहला राज्य जो खुले में शौच मुक्त बना वो है सिक्किम, दूसरे नंबर पे है हिमाचल प्रदेश। तो भारत का दूसरा राज्य जो खुले में शौच मुक्त बना वो है हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे है केरल, चौथे नंबर पे उत्तराखंड और 5वें नंबर पे अभी अभी बना है हरियाणा। ये है 5 जो अभी तक ओपन डिफिकेशन फ्री डिक्लेयर किए जा चुके हैं। चौथा राष्ट्रीय सम्मिट हुआ गुड रेप्लीकेबल प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का, जो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। इसका मतलब ये है कि हम अपने सरकारी हॉस्पिटल को कैसे अच्छा कर सकते हैं। इंदौर से लोकसभा सांसद है सुमित्रा महाजन, तो इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया और इसमें बात हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, जो यूनाइटेड नेशंस के हैं 17, जो हमें अचीव करने हैं 2030 तक। और इनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3 है वो बात करता है गुड हेल्थ और वेलबींग की। इसके अंदर असम और हिमाचल प्रदेश को एक खास अवार्ड दिया गया, बेस्ट परफॉर्मेंस इन रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, यानी ट्यूबरकुलोसिस से निपटने के लिए जो नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया असम ने और हिमाचल प्रदेश ने। और याद रखिए केंद्र सरकार ट्यूबरकुलोसिस से भारत को 2025 तक मुक्त करना चाहती है। सरकार ने एक डिजीज होता है जिसे बोलते हैं रोटा वायरस। रोटा वायरस क्या करता है, बच्चों में दस्त कर देता है, दस्त को बोलते हैं डायरिया, और इससे 2 साल से कम जो बच्चे हैं उनकी बहुत ज्यादा मौतें हो जाती हैं। इसीलिए टीकाकरण चलाया जा रहा है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसमें 5 राज्य और जोड़े गए हैं, असम, त्रिपुरा, MP, राजस्थान और तमिलनाडु। लेकिन भारत के 4 शहर ऐसे हैं जिनमें टीकाकरण ऑलरेडी किया जा चुका है। टोटल 4 भारत के राज्यों में मिलाकर 38 लाख बच्चों का टीकाकरण हो चुका है रोटा वायरस से निपटने के लिए। तो ये डायरिया बहुत बड़ा खतरा है। ये 4 राज्य हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इनमें ऑलरेडी टीकाकरण हो चुका है रोटा वायरस से निपटने के लिए। हिमाचल प्रदेश जो है उसे कृषि कर्मण अवार्ड के लिए चूज किया गया। कृषि कर्मण अवार्ड 2015-16 के लिए, वित्तीय वर्ष 2016 के लिए हिमाचल प्रदेश को कौन सी कैटेगरी में चूज किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं कैटेगरी 2, क्योंकि ये अवार्ड और भी राज्यों को मिले हैं जैसे त्रिपुरा वगैरह, लेकिन कैटेगरी पर डिपेंड करता है। तो कैटेगरी 2 ये है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ 1 से 10 मिलियन टन की कैटेगरी में।
तो उसमें कृषि कर्मण अवार्ड मिला। मैं अगर एग्जाम्पल दूं आपको तो 2014-15 में हिमाचल प्रदेश में लगभग 15 लाख टन खाद्यान्न की पैदावार हुई थी, और उससे अगले साल यानी वित्तीय वर्ष 2015-16 में हिमाचल प्रदेश में 16.34, तो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, इसके लिए इसे हिमाचल प्रदेश को मिला है। और हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री हैं सुजन सिंह पठानिया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को पहले भी कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है, 2011-12 में यानी वित्तीय वर्ष 2012 में मिला था इन्हें गेहूं के प्रोडक्शन के लिए, इंक्रीज इन वीट प्रोडक्शन के लिए, और 2014-15 में भी इन्हें मिला था फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए। यानी 2014-15 और 2015-16 दोनों के लिए लगातार इन्हें फूड ग्रेन प्रोडक्शन की कैटेगरी में मिला है। और मध्य प्रदेश को मिला अवार्ड 2015-16 में हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ वीट के लिए, गेहूं के लिए, गेहूं में सबसे ज़्यादा पैदावार के लिए, और ये अवार्ड हिमाचल प्रदेश को 2011-12 में मिला था, याद रखिए। और जो मध्य प्रदेश है इसे ये पांचवी बार लगातार मिला है ये अवार्ड, जो गेहूं के लिए इन्हें ये मिला है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी कैटेगरी में मिला है, हिमाचल प्रदेश को जिस कैटेगरी में मिला है वो है 1 से 10 मिलियन टन, यानी 1 से लेके 1 करोड़ टन जो पैदावार है उसके वाली जो कैटेगरी है उसके बीच में। चलिए, हिमाचल प्रदेश ने अपना 70वां हिमाचल डे मनाया, ये फंक्शन हुआ था चंबा के अंदर 15 अप्रैल 2017 को। तो आप याद रखिए, हिमाचल प्रदेश जो है पहले 30 प्रिंसली स्टेट होते थे, उनको मिलाकर एक राज्य बनाया गया था 1948 के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश की बात अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं, हिमाचल प्रदेश एक प्रोविंस की तरह क्रिएट किया गया था 15 अप्रैल 1948 को। 1950 में इसे उपराज्य का दर्जा दे दिया गया था, 1956 में इसे एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था, और 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश एक्ट पार्लियामेंट ने पास की थी, और फाइनली 25 जनवरी 1971 को ये भारत का 18वां राज्य बना था। तो इसीलिए हम 25 जनवरी को मनाते हैं हिमाचल डे, याद रखिए 25 जनवरी होता है हिमाचल डे। और इस बार कौन सा हिमाचल डे मनाया गया, 70वां हिमाचल डे, लेकिन ये मनाया गया था 15 अप्रैल 2017 को, क्योंकि 15 अप्रैल को ही ये एक प्रोविंस बना था। यशवंत सिंह परमार ये पहले मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश के, ये कांग्रेस पार्टी के थे और ये हिमाचल प्रदेश के फाउंडर भी थे। एक और बात, अब तक 5 ही लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और अभी अभी हैं वीरभद्र सिंह जो इसे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी ये 2012 से मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के। अगर मैं हिमाचल प्रदेश में कुछ चेंजेस की बात करूं तो जब हिमाचल प्रदेश बना था 1948 में तब इसमें साक्षरता थी, लिटरेसी रेट सिर्फ 7%, अब है 82.80% सेंसस 2011 के हिसाब से। हिमाचल प्रदेश की 70% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खर्चों के लिए। 1134 करोड़ रुपए अभी वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं हिमाचल प्रदेश को हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक जो है आप जानते हैं, ये विश्व बैंक हमें काफ़ी लोन देता है, हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर बोलते हैं फल फूल सब्जी उगाने को, कंबाइंड वर्ड होता है हॉर्टिकल्चर, इसके लिए 1134 करोड़ रुपये का लोन हिमाचल प्रदेश को दिया है वर्ल्ड बैंक ने, जिससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स वगैरह ये उगा सके। सरकार जो है वो 2238 करोड़ रुपये इस फाइनेंशियल ईयर में जो चल रहा है यानी 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक खर्च करेगी हिमाचल प्रदेश में, जिससे हर घर में पीने लायक पानी यानी पोर्टेबल वाटर पहुंचाया जा सके, उस पर खर्चा होगा 2238 करोड़ रुपए। इसके अलावा 922 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है स्वान चैनलाइजेशन प्रोजेक्ट ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। स्वान एक नदी का नाम है और इस पे एक प्रोजेक्ट बन रहा है 922 करोड़ रुपए का ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये पूरे वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं जो एकदम रेडीमेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। 180 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी चोंच खाड चैनलाइजेशन प्रोजेक्ट जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बन रहा है। मैं रिपीट करता हूँ, चोंच खाड चैनलाइजेशन प्रोजेक्ट, इस पे 180 करोड़ रुपए खर्च होगा। 837 करोड़ रुपए का एक और प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है जो 24 घंटे पानी की सप्लाई देगा शिमला के अंदर, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। 205 करोड़ रुपए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका नाम है फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट। फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट पे 205 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और एक और प्रोजेक्ट है सिद्धार्थ कनाल प्रोजेक्ट, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो 3000 हेक्टेयर एरिया को सींचेगा, इसकी सिंचाई करेगा। इसके अलावा इंडस्ट्रीज एरिया बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया जिन्हें बोलते हैं, ये बन रहे हैं कंद्राउरी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और पंडोगा ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इन पे खर्चा किया जा रहा है 95 करोड़ किया जा रहा है जो कंद्राउरी के ऊपर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और 88 करोड़ रुपीस खर्च किया जा रहा है पंडोगा ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये बन रहे हैं इंडस्ट्रियल एरियाज, और इनमें इंडस्ट्रियल एरिया बनने से यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी, जिससे जो लोकल यूथ है उन्हें रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो है वीरभद्र सिंह, उन्होंने अभी अभी आधारशिला रखी, एक फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है
जवाली के अंदर, जिसपे खर्चा किया जा रहा है लगभग 3,34,00,000 रुपए। भारत ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। हिमाचल प्रदेश को यह लोन दे रहा है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए। मैं रिपीट करता हूं, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश का है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है। और वर्ल्ड बैंक, मैं आपको बता चुका हूं, हॉर्टिकल्चर का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए भी लोन दे रहा है हिमाचल प्रदेश को। तो दो दो लोन मिले हैं अभी। IBRD जो वर्ल्ड बैंक का ही है, इसके साथ $36 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो टोटल खर्चा आएगा इसमें 45 मिलियन, इसमें से 36 मिलियन देगा वर्ल्ड बैंक और बाकी का जो पैसा है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार लगाएगी। ये प्रोजेक्ट है क्या, इसमें हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, यानी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी जनता पे खर्च होने वाला जो पैसा है उसको अच्छे से मैनेज करे जाने के लिए प्रॉपर सिस्टम बनाए जाएंगे। ये प्रोग्राम जो है अगले 5 साल के अंदर पूरा होगा। भारत और ओमान, ओमान की राजधानी है मस्कट, ये एक गल्फ कंट्री है। तो भारत और ओमान जो है ये मिलके इन्होंने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी है हिमाचल प्रदेश के अंदर। देखिए, दो देश आपस में मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, मतलब वो एक दोनों देश एक दूसरे की मिलिट्री को सिखाते हैं, एक दूसरे में आपसी सहयोग करते हैं, तकनीक को इम्प्रूव करते हैं, और बेसिकली ये दोनों के हक में होता है। तो भारत और ओमान की जो सेनाएं हैं उन्होंने एक्सरसाइज करी, ये हुई बकलो के अंदर हिमाचल प्रदेश में, और इसका नाम था अल नगा द्वितीय 2017। जो सबसे पहली हुई थी वो मस्कट में हुई थी, ओमान की राजधानी में, जनवरी 2015 में, और ये सिर्फ दूसरी ही थी अल नगा एक्सरसाइज। 14 दिन तक ये चली और इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लिया मेजर जनरल नवीन कुमार ने। याद रखिए, मेजर जनरल नवीन कुमार ने। 19 मार्च को ये खत्म हुई। पब्लिक अफेयर इंडेक्स की बात करता हूं। पब्लिक अफेयर इंडेक्स अभी अभी आया है, ये निकाला है पब्लिक अफेयर सेंटर PAC ने, जो एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। ये जो सर्वे है इसमें 10 थीम थे, 26 फोकस सब्जेक्ट थे और 82 इंडिकेटर थे, मतलब बेसिकली विकास से संबंधित थे, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन, असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस इंडेक्स के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का क्या स्थान है भारत में। तो याद रखिए, भारत के जो छोटे राज्य हैं 12 स्मॉल स्टेट, इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई थी, एक उसमें थे 12 छोटे राज्य, तो इन 12 छोटे राज्य में हिमाचल प्रदेश है नंबर 1, उसके बाद है गोवा और फिर है मिजोरम। तो गोवा जो है इसका जो क्षेत्रफल है भारत में सबसे कम है, और जो सिक्किम है उसकी जनसंख्या भारत में सबसे कम है। दिल्ली इसमें 3rd नंबर पे आया था पिछले साल, इस बार वो 9th पोजीशन पे खिसक गया 2017 के अंदर। लेकिन याद रखिए, हिमाचल प्रदेश नंबर 1 था, जिसको बोलते हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स में PAC ने दिया था ये, 12 स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी के अंदर हिमाचल प्रदेश था नंबर 1। हिमाचल प्रदेश के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं। DGP जो होती है सबसे ऊंची रैंक होती है स्टेट के अंदर। कोई भी IPS ऑफिसर जब होता है तो उसका जो रिटायरमेंट से पहले जब वो बनता है DGP, बिल्कुल सबसे सीनियर पोस्ट होती है। तो सोमेश गोयल बने हैं हिमाचल प्रदेश के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP, और ये रिप्लेस करेंगे मिस्टर संजय कुमार को, जो NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का जिन्हें डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। मंगल पांडे, इन्हें BJP का स्टेट इंचार्ज बना दिया है हिमाचल प्रदेश के लिए। हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पहले थे BJP के स्टेट इंचार्ज श्रीकांत शर्मा, लेकिन श्रीकांत शर्मा जब उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार बन गई तो ये वहाँ के बिजली मंत्री बन गए हैं। तो ये मथुरा से सांसद हैं और अब इनकी जगह ले ली है मंगल पांडे ने। ये है BJP के इंचार्ज हिमाचल प्रदेश के अंदर। धर्मशाला जो है उसे हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी का दर्जा दे दिया गया है और ये एक स्मार्ट सिटी भी बनेगा। तो ये है शिमला के बाद हिमाचल प्रदेश का दूसरा कैपिटल। और धर्मशाला जो है ये तिब्बत की, जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बोलते हैं जिसे, दलाई लामा उनका हेडक्वार्टर है, ये सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन का ये हेडक्वार्टर है और मैक्लोडगंज से थोड़ी ही दूर है धर्मशाला। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च करी उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम क्या होती है, देखिए भारत में बहुत सारे एयरपोर्ट ऐसे हैं जहाँ पे कोई फ्लाइट नहीं जाती या जहाँ पे बहुत कम फ्लाइट जाती हैं। जहाँ पे कोई फ्लाइट नहीं जाती उन्हें बोलते हैं अनसर्व्ड एयरपोर्ट, और जहाँ पे बहुत कम जाती हैं फ्लाइट उन्हें बोलते हैं अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट, यानी जहाँ पे एक या दो जाती हैं बस। तो उन पे ज़्यादा विमान ले जाने के लिए जो स्कीम है उनका नाम है उड़े देश का आम नागरिक। यहाँ पे बहुत सस्ती फ्लाइट दी जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 घंटे की फ्लाइट है तो आपको 2500 रुपये तक मिल सकती है। तो इस तरह से सस्ती फ्लाइट मिलेंगी और जो भी एयरलाइन का नुकसान होगा वो सरकार सब्सिडी देगी, टिकट के ऊपर सरकार खर्चा करेगी। तो जो पहली फ्लाइट उड़ी है उड़ान स्कीम में वो उड़ी शिमला से दिल्ली। याद रखिए, शिमला से दिल्ली चली है पहली फ्लाइट उड़ान स्कीम के तहत। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश ने यह कहा है कि वो अपना जो ग्रीन कवर है उसे बढ़ाएगा, यानी कि जो पेड़ वगैरह है वो काफी लगाएगा। तो इसके लिए 48,000 एकड़ में पौधे लगाए गए हैं वहां के चीफ मिनिस्टर के हिसाब से। उन्होंने ये कहा है कि पिछले 4.5 साल में
अब तो सरकार खत्म होने वाली है, इनकी 5 साल पूरे होने वाले हैं, पर उन्होंने कहा पिछले 4.5 साल में 1,33,00,000 मेडिसिनल प्लांट लगा जा चुके, मेडिसिनल प्लांट और हर्ब्स लगाए जा चुके हैं। मेडिसिनल प्लांट होते हैं जैसे तुलसी होता है या अश्वगंधा वगैरह, जो मेडिसिन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि 1,33,00,000 ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं पिछले 4.5 साल में, और उन्होंने ये कहा कि हम 35,00,000 और मेडिसिनल प्लांट लगाना चाहते हैं 31 मार्च 2018 तक, यानी जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है इसके अंदर। और ये एक और बात, उन्होंने 68वां हिमाचल प्रदेश का वन महोत्सव भी लॉन्च करा पिरडी के अंदर, जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी विधानसभा ने कि एक 2776 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक हिमाचल प्रदेश में रोड है उसे 4 लेन बनाने के लिए, तो काफ़ी पैसा खर्च होगा, और इसकी परमिशन मिल गई है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से, जिसकी अध्यक्षता करी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब ये कौन सा रोड है जिसको 4 लेन बनाया जाएगा? ये रोड है जो पंदो बाईपास है वहां से लेकर तकोली तक, पंदो बाईपास का जो एंड है वहां से लेकर तकोली तक है, नेशनल हाईवे 21 का हिस्सा है ये। इसको बड़ा किया जाएगा जिससे जो ट्रैफिक है उसको कम किया जा सके हिमाचल प्रदेश के अंदर, याद रखिए। और ये जो रोड है 19 किलोमीटर लंबा है, इस पे खर्चा होगा 2776 करोड़ रुपए। कांगड़ा जो है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना है हिमाचल प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का, जिसने अपने मनरेगा के जितने भी एसेट हैं सबको जियो टैग कर दिया है। ये भारत में पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जिसका 100% जियो टैगिंग हुआ है मनरेगा के अंदर। मनरेगा क्या है? मनरेगा बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट को। इसमें जो बेरोजगार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज, जैसे यूजुअली 100 डेज साल में कंपलसरी काम मिलता है जिससे वो अपना गुजारा कर सकें, और अगर उनके पास ऑलरेडी पहले से काम है तो वो अपनी इनकम को सप्लीमेंट कर सकें। तो इससे क्या होगा, इससे एग्रीकल्चर है, सिंचाई है, एजुकेशन है, हेल्थ वगैरह है, ये सारे सेक्टर्स की ग्रोथ हो सकती है। तो इसमें जियो टैगिंग का मतलब ये होता है जो वर्कर हैं, जो मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अपने एसेट का फोटो ले सकते हैं और उसे एक पोर्टल पे डाल सकते हैं, जो पोर्टल इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पोर्टल है ये। इससे आसानी से वो अपने एसेट्स को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे कोई लड़ाई ना हो, जिससे अपना जो एग्रीकल्चर एरिया है उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक फोटो हो सकता है, ये SMS मैसेज हो सकता है, QR कोड हो सकता है, तो कई तरह की टैगिंग पॉसिबल है। लेकिन याद रखिए कांगड़ा पहला बना है भारत में, पूरे भारत में पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जो 100% जहां पे जियो टैगिंग हुई है मनरेगा के अंडर। हिमाचल प्रदेश की एक फिल्म है जिसका नाम है सांझ। सांझ का मतलब होता है इवनिंग यानी शाम। इसे अवार्ड मिला है US फिल्म फेस्टिवल में। इस फिल्म को डायरेक्ट करा है अजय सकलानी ने, और ये हिमाचली डायरेक्ट के अंदर है, हिमाचल की भाषा है उसके अंदर है। इसे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला इंटरनेशनल बोरेगो स्प्रिंग्स फिल्म फेस्टिवल, जो कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर हुआ था। और ये अवार्ड रिसीव करा अनिल चंडेल ने, जो फिल्म के को प्रोड्यूसर है। एक और बात याद रखिए, इस फिल्म को अवार्ड ऑफ मेरिट भी मिला एकोलेड ग्लोबल फिल्म कॉम्पिटिशन के अंदर। ये पिछले 100 साल के इतिहास में भारतीय सिनेमा के अकेली हिमाचली फिल्म है जिसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है, अंतर्राष्ट्रीय जिसे पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है। फिल्म का नाम है सांझ। BCCI के एक्स प्रेसिडेंट, आपको याद होगा लोढ़ा कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद अनुराग ठाकुर को हटा दिया गया था। अनुराग ठाकुर पहले BCCI के प्रेसिडेंट थे, अब ये बन गए हैं हिमाचल ओलंपिक एसोसिएशन के हेड। याद रखिए इनको इलेक्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा 4 साल के लिए। और जो वीरेंद्र कंवर हैं, इन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। और जो राजेश भंडारी हैं, जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्हें जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का। मशहूर पॉलिटिशियन मंगल नेगी, इनका निधन हो गया। ये पॉलिटिशियन भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। ये प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया ट्राइब्स एंड माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ के। हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ये ट्राइबल किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और बाद में ये शिमला में बस गए थे। तो याद रखिए इनका नाम था मंगल नेगी। यूनेस्को, देखिए यूनेस्को जो है, यूनेस्को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को। संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखा है जो हमारी संस्कृति को बचाती है, उसको उसका संरक्षण करती है, और जो हमारे जो किले वगैरह हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, उनको भी डिक्लेयर करती है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। यूनेस्को ने एक नेचर फेस्ट आयोजित करा हिमाचल प्रदेश के अंदर। 2 दिवसीय चला यह त्यौहार। इसका थीम था नेचुरल हेरिटेज इन लिटरेचर आर्ट्स एंड कल्चर, यानी लिटरेचर में, साहित्य में, कला में और संस्कृति में हमारा जो प्राकृतिक धरोहर है उसको हम कैसे बचाएं। और ये कहाँ पे हुआ? वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। भारत में 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पहले 35 थे, अभी अभी अहमदाबाद को भी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो भारत में अब 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है,
और इनमें एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो साइरोपा में है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे हुआ ये त्यौहार दो दिवसीय, याद रखिए। इसको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर आयोजित किया गया और काफ़ी बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ पे आए, जैसे ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी पक्षियों के मशहूर वैज्ञानिक विक्रम ग्रेवाल, असाद रजमानी, मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट रंजीत लाल और मशहूर बायोलॉजिस्ट जॉर्ज शॉलर, ये सभी यहाँ पे आए। संजौली पुलिस स्टेशन जो है हरियाणा में, संजौली पुलिस पोस्ट, ये हिमाचल में जो है ये भारत का पहला पुलिस स्टेशन बना है जिसे CCTNS से कनेक्ट कर दिया गया है। CCTNS बोलते हैं क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम को, और ये शिमला के अंदर है, याद रखिए, संजौली पुलिस पोस्ट। और अब ये बाकी जो पुलिस पोस्ट है उनसे भी कनेक्ट होगा। इसका उद्घाटन करा वीरभद्र सिंह ने। और अगर पूछें भारत का पहला राज्य कौन था जो जिसने CCTNS लॉन्च किया था, तो वो था महाराष्ट्र। लेकिन अगर पहला पूछें कि पहला पुलिस पोस्ट कौन सा है, तो वो है संजौली पुलिस पोस्ट। इससे जो लोग हैं वो अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन कंप्लेन दर्ज कर सकेंगे, पुलिस जो है वो वेरिफिकेशन कर सकेगी। कोई भी अगर आपका किराएदार आता है या कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह देना है किसी को, तो वो पुलिस बड़ी आसानी से कर सकती है CCTNS की मदद से। CCTNS जो है ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल है। और इनका टारगेट ये है कि पूरे भारत में 14,000 पुलिस स्टेशन को हमें सबको आपस में जोड़ना है और एक पूरे कंट्री में ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम को हमें लेके आना है जिससे हम किसी भी मुजरिम को ट्रैक कर सकें। और दूसरी बात, ये जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट कर रहा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड। हिमाचल जो है उसने एक ऐप लॉन्च करी है, वो युवा जो जॉब सीख कर रहे हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक सरकारी ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है मेरा हुनर HP। मेरा हुनर मतलब माई टैलेंट। इसमें क्या है कि जो कुशल लोग हैं और जो सेमी स्किल्ड वर्कर हैं वो जॉब्स खोज सकते हैं। इसी नाम की एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है और ये आइडिया था हिमाचल प्रदेश के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवाइजर गोकुल बुतैल का। हिमाचल प्रदेश जो है वहां की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, पूरे भारत में, याद रखिए, पूरे भारत में 1263 पक्षियों की प्रजातियां मिलती हैं, स्पीशीज मिलती हैं। उनमें से 564 हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं, यानी पूरे भारत के 45% जो बर्ड स्पीशी हैं वो हिमाचल में मिलते हैं। और ये जो 564 हिमाचल में मिलते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा मिलती हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 453, याद रखिए। ये एक सर्वे हुआ जिसका नाम है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2017। ये चला था 17 फरवरी से 20 फरवरी तक। इसमें 83 बर्ड चेकलिस्ट अपलोड की गई थी ई बर्ड, और 319 स्पीशीज जो है वो रिपोर्ट की गई थी 8 डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन मोटी बात यह है, पूरे भारत में 1263 पक्षियों की प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं, उनमें से हिमाचल में है 564 और उनमें से कांगड़ा में है 453। तो हिमाचल प्रदेश इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पक्षियों के विद रिस्पेक्ट। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री करण सिंह, इनका निधन हो गया। ये बंजर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे और ये 3 बार वहां से जीते भी थे, बंजर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे 1990, 1998 और 2012 में। ये वीरभद्र सिंह की जो सरकार है उसमें आयुर्वेद मंत्री थे। भारत और थाईलैंड, इन्होंने मिलकर हिमाचल प्रदेश के अंदर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करी जिसका नाम है मैत्री 2017। ये कहाँ पे हुई? ये हुई बकलों में, जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसमें भारतीय आर्मी और रॉयल थाईलैंड आर्मी ने, यानी थाईलैंड और भारत की आर्मी ने आपस में मिलकर प्रैक्टिस करी 15 दिन तक। मशहूर जर्नलिस्ट रविंदर रंदेव, इनका स्वर्गवास हुआ शिमला के अंदर। तो ये हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी थे कम से कम 10 साल से ज़्यादा, और ये वीर प्रताप जो न्यूज़पेपर आता है उसमें भी रिपोर्टर थे। काफ़ी पुरानी बात है ये, इनका 40 साल से ज़्यादा का कैरियर था, कई बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में इन्होंने अपना योगदान दिया। तो इनका निधन हुआ शिमला के अंदर और ये हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी काफ़ी सक्रिय थे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व चीफ सेक्रेटरी सुदीप्ता रॉय, इनका भी निधन हो गया। ये 1978 बैच के IAS ऑफिसर थे और ये चीफ सेक्रेटरी थे हिमाचल प्रदेश के 2012 से 2014 तक। अब बात करते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। तो पहला यूनिट 100 मेगावाट का, देखिए 100 मेगावाट का सैंज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लग रहा है कुल्लू के अंदर। मैं रिपीट करता हूं, सैंज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 100 मेगावाट, लेकिन एक साथ नहीं लगेगा, पहले 50 लगेगा और फिर बाद में 50 लगेगा। तो जो पहला वाला 50 है वो इसका शुरू हो गया है, 100 मेगावाट टोटल कैपेसिटी है, बाकी जो बचा हुआ है वो भी थोड़े टाइम में लग ही जाएगा। और ये लगभग 322 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हर साल प्रोड्यूस करेगा और 100 करोड़ रुपये की जो इनकम है वो स्टेट गवर्नमेंट को लाके देगा, याद रखिए। तो कितनी बिजली प्रोड्यूस करेगा? 322 मिलियन यूनिट और इसकी क्षमता है 50 मेगावाट। अब ये सांझ जो प्रोजेक्ट है
ये कौन सी नदी के ऊपर लग रहा है? नदी का नाम ही है सैंज, और ये ब्यास नदी की एक ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदी है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ बन रहा है? निहारिनी, ये जो नियर विलेज निहारिनी ये बन रहा है। एग्जैक्ट अगर देखें तो ये सैंज नदी के जो जो राइट वाला किनारा है सियुंड विलेज में, वहाँ पे बन रहा है। तो अगर एकदम एग्जैक्ट चाहिए, इसमें एक सुरंग भी है जो लगभग 6.36 किलोमीटर लंबी है और इसका डायमीटर है 3.85 मीटर सुरंग का, और दो टर्बाइन है 50 मेगावाट के, तो टोटल हो जाएगा 100 यूनिट। एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, जब भी कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगता है तो वहाँ से, क्योंकि नदियों के किनारे लोग रहते हैं हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे, तो उन्हें वहाँ से हटाना पड़ता है। तो वो जो सफ़र हो रहे हैं लोग, उन्हें हर महीने 100 यूनिट बिजली दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट अगले 10 साल तक। ये भी सरकार ने अनाउंस करा है, जिससे उनका अगर कोई नुकसान है तो वो भी भरपाई की जा सके। इतना ही नहीं, उन्हें जितनी भी इस प्रोजेक्ट से इनकम होगी सरकार की, उसका 1%, तो सरकार कह रही है लगभग हमारी 100 करोड़ की इनकम होगी, तो यानी कि 1 करोड़ रुपये इन परिवारों की विकास के लिए खर्च किए जाएंगे जो अफेक्ट हुए। दो दिवसीय एक टीबी सम्मिट चला जो धर्मशाला के अंदर हुआ। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्यूबरकुलोसिस मुक्त भारत हम चाहते हैं 2025 तक। ये फेफड़ों का रोग है और भारत में बहुत ज़्यादा है ट्यूबरकुलोसिस। इसमें लगातार सूखी खांसी आती है और ये रोग फिर फेफड़ों में फैलता है, वहाँ से खून नली में भी जा सकता है और पूरी बॉडी में फैल सकता है, जिससे डेथ हो सकती है। तो 2025 तक हम मुक्त करना चाहते हैं। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, असम और हिमाचल प्रदेश को ट्यूबरकुलोसिस से निपटने के लिए अवार्ड भी दिया गया था। तो दो दिवसीय सम्मिट हुआ धर्मशाला के अंदर हिमाचल प्रदेश में, और एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच भी खेला गया बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बीच में। एक बात और, इसमें पार्टिसिपेट किया पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह बदनौर ने, और हिमाचल प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर हैं कौल सिंह ठाकुर, जिन्होंने दोनों ने मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया सम्मिट का। हिमाचल प्रदेश के बजट की बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, कम से कम तीन क्वेश्चन इसमें से आएंगे। हिमाचल प्रदेश का बजट, कोई भी नया टैक्स नहीं आया इसके अंदर, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रेजेंट करा, टोटल जो बजट है वो है 35,783 करोड़ रुपए का और कोई भी नया टैक्स नहीं आया। और इसमें कई सारी स्कीम अनाउंस हुई है, सब पे के करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले 1,000 रुपये जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मैं रिपीट करता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा फॉर दोज अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ हैविंग मिनिमम प्लस टू क्वालिफिकेशन और अबव एंड ₹1,500 फॉर द डिसेबल्ड इन द स्टेट। देखिए, अगर कोई हिमाचल प्रदेश में प्लस टू पास कर चुका है यानी 12वीं पास है और फिर भी उसे नौकरी नहीं मिलती, तो उसे 1,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता। उसके अलावा अगर कोई दिव्यांग है, कोई जिसे विकलांग कहते हैं या दिव्यांग कहते हैं, जो चल फिर नहीं सकते या वो हैं, तो उन्हें 1,500 रुपये मिलेंगे सरकार की तरफ से, और इस पे टोटल खर्चा होगा 150 करोड़ रुपये यानी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे, और जो डिसेबल्ड को अलाउंस मिलेगा उस पे टोटल खर्चा होगा 150 करोड़ रुपये। बजट को बिल्कुल पानी की तरह पीना है आपको, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं यानी जो गिग इकोनॉमी बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़, उनके जो एमोल्यूमेंट है, उनको जो मुआवजा दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा, वो 50% से बढ़ा के कर दिया है 75% ऑफ ग्रेड पे। पहले मिलता था जितनी उनकी ग्रेड पे है उसका 50%, अब उन्हें मिलेगा 75%, ये भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस जो है वो 3% ये मिलेगा रेगुलर एम्प्लॉयज़ को, और जो भी पेंशनर्स हैं 2016 से ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई हो जाएगा। डियरनेस अलाउंस होता है जो महंगाई भत्ता होता है, जो महंगाई को कंपनसेट करने, इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए होता है, उसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, तो ये मिलेगा 3%। इसके अलावा जो वाटर गार्ड हैं उनका जो ऑनोरेरियम है, उनकी जो एक तरह से कंपनसेशन है, वो 1,500 रुपये से बढ़ा के कर दी गई है 1,700 रुपये पर महीना। कृषि की बात करते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे जितने भी फार्मर है सबको दिए जाएंगे। टोटल खर्चा जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर होगा वो होगा 783 करोड़ रुपये। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए खर्च किया जाएगा बहुत सारा पैसा, और इसको बूस्ट करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को 200 ऑर्गेनिक विलेज बनाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। कितने बनाए जाएंगे? 200 ऑर्गेनिक विलेजेस। भारत का पहला ऑर्गेनिक जो राज्य है वो है सिक्किम, याद रखिए। इसके अलावा 220 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी फूड सिक्योरिटी के ऊपर। फूड सिक्योरिटी क्या होती है? यानी जो सबको खाना देना है, जो उसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी, सब्सिडाइज इसमें ग्रेन्स मिलेंगे सबको, चावल गेहूं वगैरह, तो उस पर 220 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बजट के अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट स्कीम्स की बात करते हैं। विधायक क्षेत्रीय विकास निधि, ये एक कोष होता है, एक धन होता है, विधायक क्षेत्रीय विकास निधि, इसको बढ़ा के 1,10,00,000 कर दिया गया है। एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा, एक बनेगा शिमला में और दूसरा बनेगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। वर्ल्ड बैंक, जैसा मैंने बताया, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए देगा 1,134 करोड़ रुपए, और ये प्रोजेक्ट 2017-18 में स्टार्ट हो जाएगा। 12 करोड़ रुपए ये मिलेंगे फार्मर्स को या जो ऑर्चर्ड्स की खेती करते हैं उन्हें, जिससे उनको सब्सिडी दी जा सके
पावर स्प्रेयर्स के ऊपर, पावर टेलर के ऊपर या दूसरे जो खेती के लिए करने के लिए औजार चाहिए उन पे सब्सिडी के लिए 12 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे सब्सिडी के रूप में। 40% सब्सिडी मिलेगी युवाओं को अगर वो सॉइल टेस्टिंग लैब एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनको सेटअप करना चाहते हैं जहाँ पे मिट्टी की जाँच हो सकती है, 40% सब्सिडी मिलेगी अगर वो ऐसा करते हैं तो। इसके अलावा मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, मैं रिपीट करता हूं, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना यानी फील्ड कंजर्वेशन स्कीम है ये, इसको 60% से बढ़ा के 80% कर दिया गया है और इस पे 30 करोड़ रुपए बजट में अलॉट किए गए हैं। नई मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम आई है जिसमें जो पॉली शीट है उन्हें रिप्लेस किया जाएगा, इसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम। पंचायत पशुधन पुरस्कार योजना के तहत बजट में रखा गया है 7 करोड़ 80 लाख रुपए। मिल्क प्रोक्योरमेंट का जो प्राइस है यानी वो दाम जिसपे दूध खरीदा जाता है उसको सरकार ने 1 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया है। 75% सब्सिडी देगी सरकार अगर आप कोई मिल्क प्रोसेसिंग और चिलिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, कोई भी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लगा सकती है, उस पर 75% सब्सिडी मिलेगी। 6 बायोडाइवर्सिटी टूरिज्म पार्क बनेंगे हिमाचल में, कनलोग में, सराहन में, कसौल, धर्मशाला, पावंता साहिब और मंडी में। तो सारे नाम याद रखने हैं आपको, कनलोग, सराहान, कसौल, धर्मशाला, पावंता साहिब और मंडी, यहां पे बनेंगे 6 बायोडाइवर्सिटी यानी जैविक विविधता के पर्यटन पार्क। नई मुख्यमंत्री रूरल रोड रिपेयर स्कीम है जिसमें जो टूटे फूटे रोड हैं उनको रिपेयर किया जाएगा, इसमें बजट रखा गया है 20 करोड़ रुपए का। 115 करोड़ रुपए रखे गए हैं हाउसिंग स्कीम के लिए। आप जानते हैं केंद्र सरकार ने स्कीम चलाई हुई है हाउसिंग फॉर ऑल जिसे बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें 6 करोड़ घर पूरे भारत में बनाए जाएंगे, 4 करोड़ रूरल एरिया में, 2 करोड़ अर्बन एरिया में। हिमाचल प्रदेश भी इन हाउसिंग स्कीम्स का हिस्सा है, इसमें 115 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 50 करोड़ खर्च होंगे अमृत स्कीम पे यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्कीम है हमारे जो शहर बने हुए हैं हमें उनका आधुनिकरण करना है, नवीनीकरण करना है, उनकी डिफरेंट प्लानिंग से दोबारा बनाना है, उसको बोलते हैं अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। शहरों का हमें एक नवरूपीकरण करना है, उन्हें पूरा नया जैसा बनाना है, दोबारा प्लानिंग करनी है उनकी। मुख्यमंत्री रूरल लाइवलीहुड स्कीम यानी कि जो ये स्कीम ये है कि जो गाँव के जो यूथ है, गांव के जो जवान लोग हैं उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा, इसके लिए चलाई है मुख्यमंत्री रूरल लाइवलीहुड स्कीम। 160 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 160 ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और 70 इरिगेशन स्कीम्स पे 2017-18 के अंदर यानी एक साल के अंदर, पानी की सप्लाई के लिए, पेयजल के लिए और सिंचाई की स्कीम्स के लिए 160 करोड़ रुपए। 837 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक दे रहा है शिमला सिटी के लिए, शिमला सिटी के विकास के लिए, शिमला सिटी प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक दे रहा है 837 करोड़ रुपए। 670 करोड़ रुपए जो है वो एक नया प्रोजेक्ट बनेगा, इस पे ब्रिक्स बैंक इसको पैसा दे रहा है, ब्रिक्स बैंक फंड कर रहा है 670 करोड़। न्यू प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट है क्या, जो भी लेफ्ट आउट हैबिटेशन है यानी कि वो भी जो लोग जो जिनको हैबिटेशन नहीं मिला है अभी तक, जिनको कोई आवास नहीं मिला है, जो लेफ्ट आउट हैं उनको कवर करने के लिए 670 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। जो कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए जो पैकेज है वो 1,75,000 से बढ़ा के कर दिया गया है 2,25,000 यानी 50,000 रुपए बढ़ा दिया है। इसके अलावा हर बच्चा जो उसको मुआवजा मिलता था मदर ट्रेसा मातृ आश्रय संबल योजना उसको बढ़ा के 4,000 रुपए कर दिया है। याद रखिए असिस्टेंस पर चाइल्ड ये योजना क्या है मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। पंचायत बालिका गौरव पुरस्कार योजना इसके लिए रखा है 1,50,00,000 रुपए। पंचायत बालिका गौरव पुरस्कार योजना, स्टैम्प ड्यूटी जो है वो घटा के 6% से 3% कर दी है अगर आप जो घर है वो खरीदते हैं महिला के नाम पे रेजिडेंशियल। सोशल सिक्योरिटी पेंशन इसे 650 रुपए पर मंथ से बढ़ा के कर दिया है 700 रुपए पर मंथ। जो पेंशन है उन बच्चों के लिए जो मेंटली रिटार्डेड हैं, मानसिक रूप से अपंग हैं या एडल्ट जो मानसिक रूप से अपंग हैं उनमें कोई इनकम लिमिट नहीं है। 80 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको जो पेंशन मिलती थी वो 1,200 रुपए से बढ़ा के कर दी है 1,250 रुपए पर मंथ। रिजर्वेशन कोटा, जो लोग दिव्यांग हैं, डिसेबल्ड हैं, विकलांग हैं उनके लिए 3% रिजर्वेशन था पहले सरकारी जॉब्स में हिमाचल में, अब उसे बढ़ा के 4% कर दिया है। सम्मान राशि स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को मिलती थी पहले 10,000 रुपए, उसे बढ़ा के कर दिया है 15,000 रुपए। सम्मान राशि जो विधवाओं को मिलती थी जिनके पति शहीद हुए हैं उसको 5,000 रुपए से बढ़ा के कर दिया है 3 गुना 15,000 रुपए। जो फ्रीडम फाइटर हैं उनकी बेटियां उनकी शादी के लिए मिलता था पहले 21,000 रुपए, उसे बढ़ा के कर दिया है मैरिज ग्रांट 31,000 रुपए। इसके अलावा वुमेन पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे, ये वो पुलिस स्टेशन है जिनका पूरा का पूरा संचालन महिलाएं करेंगी। एक बनेगा ऊना में, दूसरा बनेगा नाहन में, तीसरा बनेगा बिलासपुर में।
11 हेल्पलाइन खोली जाएंगी एनिमल हस्बेंड्री पशुधन के लिए। अगर कोई फार्मर्स को प्रॉब्लम आती है पशुधन से रिलेटेड, उनके पशुओं से रिलेटेड, तो वो 11 हेल्पलाइन उसके लिए स्टार्ट की जाएंगी। 50 करोड़ रुपए का धन रखा जाएगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए हिमाचल के अंदर। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह है कि जो किसान ऑलरेडी जो फसलें उगा रहे हैं उनके अलावा नई क्रॉप्स उगाएं, उसको एनकरेज करने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। हिमाचल प्रदेश, अब बजट खत्म हो गया है, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज। शिमला के अंदर ये काफी एक फेमस घर है, इसको बोलते हैं बेंटोनी कैसल। बेंटोनी कैसल हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस पे कब्जा कर लिया है और इसके ओनर्स को 27 करोड़ रुपए बदले में दे दिया है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास सिटी म्यूजियम बनेगा और कल्चरल सेंटर बनेगा इसके स्थान पे। 12 साल से सरकार कोशिश कर रही थी इस घर को कब्जाने की, फाइनली इन्होंने ये एक्वायर कर लिया है। ये 19,000 स्क्वायर मीटर का बहुत ही खूबसूरत घर है शिमला के अंदर, और वर्ल्ड क्लास म्यूजियम और कल्चर सेंटर यहाँ पे बनेगा। एक डिसीजन और लिया है हिमाचल की सरकार ने, वो ये कि वो महिलाएं जो हिमाचल प्रदेश की हैं परंतु उन्होंने जो ऐसे लोगों से शादी की है जिनका घर हिमाचल प्रदेश से बाहर है, उन्हें भी हिमाचल प्रदेश का सर्टिफिकेट मिलेगा, उन्हें वहां का डोमिसाइल मिलेगा, बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट मिलेगा। ये उनको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए दिया गया पूरी जिंदगी के लिए। हिमाचल प्रदेश जो है उन्होंने जो मेडिकल स्टाफ है, कई केसेस ऐसे हो गए थे जिसमें लोग डॉक्टर्स की पिटाई कर देते थे, तो वो अब ना हो इसके लिए खास कदम उठाए हैं। इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल 2017 पास किया गया है, इस बिल में संशोधन किया गया है। और इसमें बेसिकली क्या है, अगर डॉक्टर कोई ड्यूटी पे है और अगर आपने उसके साथ कोई बदतमीजी करी या उस पर हाथ उठाया, तो अब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा, यानी आपकी जमानत नहीं होगी, आपको बेल नहीं मिलेगी, और कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। कॉग्निजेबल मतलब पुलिस इसमें कार्रवाई कर पाएगी बिना अदालत के वारंट के। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं सड़क पर जा रहा हूं और मैं देखता हूं कि कोई लड़की है उसको कोई गाड़ी में उठा के ले गया है, तो मैं पुलिस को कॉल करता हूं, तो पुलिस ये नहीं कह सकती कि पहले हमें अदालत की परमिशन चाहिए, हम वारंट इशू करेंगे उसके बाद हम एक्शन लेंगे, नहीं, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो जो बड़े ऑफेंस होते हैं जैसे रेप मर्डर वगैरह, उनमें पुलिस अपनी खुद के उसमें भी एक्शन ले सकती है। तो ये सारे जो ऑफेंस हैं इन्हें नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल बनाया जाएगा। बजट में अनाउंसमेंट हुई है उसके हिसाब से जो चौकीदार हैं ग्राम पंचायत के, उनको जो ग्रांट इन एड मिलता था वो 2,050 रुपये मिलता था, इसे बढ़ा के कर दिया जाएगा 2,350 रुपये, और ये बेनिफिट देगा लगभग 3,226 चौकीदार हैं हिमाचल प्रदेश में उन सबको। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उन्हें हर महीने ऑनोरेरियम यानी कि कंपनसेशन मिलता था 450 रुपये, अब ये बढ़ा के कर दिया गया है 1,450 रुपये, और जो आंगनवाड़ी सहायिका हैं उन्हें 300 रुपये मिलता था, उसे बढ़ा के कर दिया है 600 रुपये, डबल कर दिया है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं मतलब परमानेंट उसमें नहीं है, उनको एक दिन की कैजुअल लीव मिलेगी अगर वो एक महीना अपना सर्विस पे देते हैं। इसके अलावा 10 दिन की उन्हें मेडिकल लीव मिलेगी और 5 दिन की स्पेशल लीव मिलेगी एक साल के अंदर। अगर कोई फीमेल कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी है तो जिसके अगर 2 से कम बच्चे हैं तो उसे मैटरनिटी लीव मिलेगी 135 दिन की। इसके अलावा ये भी डिसाइड हुआ है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल मतलब नर्स वगैरह जो होते हैं डॉक्टरों के को जो सपोर्ट करते हैं उसको बोलते हैं पैरामेडिकल स्टाफ, तो रोगी कल्याण समिति के जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उन्हें 4 साल के बाद ही रेगुलर बना दिया जाएगा, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, पहले ये 8 साल होता था। इसके अलावा जो कैबिनेट है उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि जितने भी मेडिकल ऑफिसर हैं उन्हें 494 का पे स्केल मिलेगा। दूसरी बात ये भी डिसाइड हुआ है कि जो मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे वो रेगुलर कर दिए जाएंगे 1 जनवरी 2018 से, जितने भी मेडिकल ऑफिसर हैं, और जो पार्ट टाइम वर्कर हैं उन्हें भी अपग्रेड कर दिया जाएगा डेली वेजर्स की कैटेगरी में अगर उन्होंने 8 साल पूरे कर लिए हैं तो मार्च 31 तक या सितंबर 30 2017 तक। जो ग्रांट इन एड मदर ट्रेसा मातृ आशाय संबल योजना के तहत मिलता है वो 3,000 रुपए से बढ़ा के कर दिया 4,000, और ये मैंने आपको बजट में भी बताया था। अब ये योजना क्या है ये थोड़ा बता देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि हिमाचल प्रदेश मदर ट्रीसा मातृ आशाय संबल योजना क्या है। इस योजना में जो विधवाएं हैं, विडो वुमेन हैं, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। ये 16 अक्टूबर 2016 से स्टार्ट हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो विधवाएं हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें, हेल्थ केयर दे सकें, जब तक बच्चा 18 साल का ना हो जाए तब तक उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो अपना एक सफिशियंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकें। इसमें 3,000 रुपये विधवाओं को दिए जाते हैं हर साल एक बच्चे के ऊपर, तो अगर विधवा के 2 बच्चे हैं तो उसे 6,000 दिए जाएंगे हर साल, जिससे वो अपना गुजारा कर सकें। इसके लिए कंडीशन ये है कि जो बच्चे हैं वो 18 साल से कम उम्र के होने चाहिए। जैसे ही बच्चे 18 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं
पेंशन मिलना बंद हो जाता है। दूसरी बात, कोई भी अगर विधवा है उसकी सालाना इनकम 35,000 रुपए से कम होनी चाहिए। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सब राज्यों को कहा था कि वो स्टेट लेवल पर भी ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाए, मानवाधिकार आयोग बनाए, और हिमाचल प्रदेश ने भी अब अपना अप्रूवल दे दिया है ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाने के लिए। और ये सारा काम जो ह्यूमन राइट कमीशन करेगा, मानवाधिकारों की रक्षा करेगा, अब तक ये हिमाचल प्रदेश का लोकायुक्त करता आया था। इसमें एक बात और याद रखिए, जो कमीशन बनेगा एक चेयरमैन होगा, एक मेंबर होगा। इसके अलावा 29 पोस्ट होंगी अलग अलग कैटेगरीज में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये बनाया जाएगा। अब जो हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट है उन्होंने डिसाइड करा है कि वो एक MIS यानी कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे जो एप्पल है उसको खरीदा जा सके और उसको प्रॉपर प्राइस जो एप्पल उगाने वाले किसान हैं उन्हें दिया जा सके। जो एप्पल का प्राइस है प्रोक्योरमेंट का वो था 6.75 पर केजी, और इसको बढ़ा दिया गया है। पिछले साल था 6.5 रुपये पर किलो, इस बार 25 पैसे बढ़ाकर 6.75 पर केजी कर दिया गया है। रिलायंस पावर जो कंपनी है वो अपना 85 करोड़ रुपया उसे वापस मिलेगा, जो ये दो प्रोजेक्ट बनाने वाले थे उनके लिए सरकार को इन्होंने दिया था, लेकिन अब ये कैंसिल हो गए हैं प्रोजेक्ट, तो फिर कोर्ट का ऑर्डर ये आया है कि रिलायंस को पैसा वापस दो। ये दो प्रोजेक्ट कौन से हैं जो कैंसिल हो गए हैं? ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट स्पीति जिले के अंदर होने वाले थे। पहला है पुर्थी में पुर्थी पंगी प्रोजेक्ट, और दूसरा है सुमते कोथांग प्रोजेक्ट। ये दोनों ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, और अब सरकार जो है वो पैसा वापस करेगी रिलायंस को, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो प्रोजेक्ट हैं ये 300 मेगावाट का था पुर्थी प्रोजेक्ट जो पंगी चंबा के अंदर बन रहा था, और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी इसकी वायबिलिटी उतनी नहीं थी और इसका खर्चा भी बढ़ रहा था, इसीलिए फिर ये फाइनली कैंसिल करना पड़ा। जो दूसरे वाला है जिसको बोलते हैं सुमते कोथांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये बन रहा था लाहौल स्पीति के आदिवासी जिले के अंदर, और इसमें रिलायंस ने मना कर दिया ये प्रोजेक्ट बनाने से, क्योंकि जो लोकल पॉपुलेशन थी वहाँ की उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, काफ़ी ऑपोजिशन किया। नाबार्ड जो एग्रीकल्चर बैंक है उसने डिसाइड करा है कि वो 500 करोड़ रुपए देगा हिमाचल प्रदेश को कई सारी रूरल स्कीम जो हिमाचल प्रदेश ने चला रखी हैं उनके लिए। और जो नाबार्ड का हिमाचल प्रदेश वाला ऑफिस है उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर किशन सिंह, उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी। 2017-18 वित्तीय वर्ष में, यानी 2018 वित्तीय वर्ष में जो हिमाचल प्रदेश है उसे 500 करोड़ रुपए मिलेंगे नाबार्ड से। नाबार्ड बना था 1982 में, इस वक्त इसके चेयरमैन हैं हर्ष कुमार भानवाला। और ये जो ग्रामीण सड़कें बनेंगी, ग्रामीण रोड बनेंगे, पुल बनेंगे सिंचाई के लिए, उन सब पे खर्च किया जाएगा ये 500 करोड़ रुपए। हिमाचल की सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई है जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम, यानी जो बेरोजगार है उन्हें भत्ता दिया जाता है। ये जो स्कीम है ये हिमाचल प्रदेश के 70वें फाउंडेशन डे पर स्टार्ट की गई। अब ये जो स्कीम है ये है क्या? पहली बात तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, पहले उनका जो जो जॉब है उसको रेगुलराइज करने में पहले 5 साल लगते थे, अभी से घटा के कर दिया है 3 साल। दूसरी बात, जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस सरकार देती है हर महीने वो 1,000 रुपये देगी अब उस व्यक्ति को जो कम से कम इंटरमीडिएट तक पढ़ा हुआ है, 1,000 रुपये पर मंथ उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। 1,500 पर मंथ मिलेगा अगर उसके पास कोई डिसेबिलिटी भी है या वो दिव्यांग से कम्युनिटी से है तो। और ये जो पैसा है ये इन्हें RTGS NEFT यानी ऑनलाइन तरीके से दिया जाएगा, बैंक्स के थ्रू दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? हिमाचल प्रदेश का वो नागरिक होना चाहिए, यानी बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए वो, और 10+2 की उसके पास कम से कम एजुकेशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से जो हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये कुछ इस तरह की इनकम वो है कंडीशन, जैसे उसका जो फैमिली इनकम है टोटल मिला के 2,00,000 रुपये से कम होना चाहिए। उसका मतलब स्पाउस, अगर उसकी वाइफ कमा रही है या उसका हस्बैंड कमा रहा है किसी का, तो वो भी मिला के पूरी फैमिली इनकम 2,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए। उसकी जो उम्र है वो 20 साल से ज़्यादा और 35 साल से कम होनी चाहिए डेट ऑफ एप्लीकेशन में। और उसका कोई अपना खुद का बिजनेस नहीं होना चाहिए, याद रखिए वो कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, पुराना या डिसमिस्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ शर्तें हैं, लेकिन अगर वो ये सारी शर्तों को पूरा करता है तो उसे हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, और अगर दिव्यांग है तो 1,500 रुपये पर मंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक योजना शुरू कर रखी है जिसका नाम है राजीव थाली योजना। बहुत सस्ते रुपए में आपको जबरदस्त थाली मिलती है, इसमें 2 रोटी और दाल सब्जी राइस सिर्फ 25 रुपए में, और इसका नाम है राजीव थाली योजना। राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया है। एक बात और,
इस तरह की थाली सिर्फ हिमाचल प्रदेश ने शुरू नहीं की, हर राज्य ने लगभग शुरू कर रखी है, अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे कर्नाटक ने शुरू करी हुई है अभी, उसका नाम है इंदिरा कैंटीन, यहाँ पे भी सस्ता भोजन मिलता है। इसी तरह मध्य प्रदेश ने शुरू की हुई है, उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय कैंटीन। तो हर तरह के कैंटीन स्टार्ट करे हुए हैं, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में है उसका नाम है राजीव थाली योजना। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए इसका नाम भी राजीव गांधी जी के नाम पे रखा गया है। तो और इसमें पानी भी सस्ता मिलेगा, जो बॉटल है मिनरल वाटर की वो आपको सिर्फ 5 रुपये में प्रोवाइड की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में जो एग्जाम होता है उसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश पीएससी। तो हिमाचल प्रदेश का जो पीएससी एग्जाम होता है, सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अब मोबाइल ऐप पे उपलब्ध होगी। इस ऐप का नाम है HPPSC मोबाइल ऐप और इसको डेवलप करा है HP नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने, हिमाचल प्रदेश के NIC ने। और इसमें सारी आपको एडवर्टाइजमेंट, वैकेंसी, जॉब नोटिफिकेशन, रिजल्ट एग्जाम का सब कुछ इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए 70 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट अनाउंस करें। क्या क्या बनेगा कांगड़ा में? एक बनेगा पॉलीटेक्निक कॉलेज, जिस पे खर्च किया जाएगा 42.61 करोड़, यानी 42 करोड़ 61 लाख रुपए, ये महिलाओं के लिए होगा सिर्फ। दूसरी बात, जो ये पॉलीटेक्निक है इस पे जो पैसा खर्च होगा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड करेगा स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है और भारत का इसमें चौथा सबसे बड़ा हिस्सा इस बैंक में, अमरीका जापान और चाइना के बाद, ये 3 देश हैं। सबसे ज़्यादा हिस्सा इसमें जापान का है, फिर अमरीका का, फिर चाइना का, फिर है भारत का। एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा सारा पैसा जो पॉलीटेक्निक बनाने के लिए खर्च होगा। अब देखते हैं कांगड़ा में और क्या क्या बनेगा। जो हिमाचल प्रदेश के बिजली मंत्री हैं, पावर मिनिस्टर सुजन सिंह पठानिया ने कहा कि 133 किलो वोल्टेज क्षमता का इलेक्ट्रिक सबस्टेशन बनेगा 14 करोड़ रुपए की लागत से। ये 110 गांवों को फायदा पहुंचाएगा, इंदौरा में, फतेहपुर में और जावाली कांगड़ा में, और जिनकी पॉपुलेशन लगभग 1.25 लाख होगी। इसके अलावा कांगड़ा में एक रोड बनेगा, कुदल जखबाद रोड, जिसपे खर्च किया जाएगा 11 करोड़ 50 लाख रुपए। वीरभद्र सिंह ने यह भी अनाउंस करा कि वीरभद्र सिंह ने एक उद्घाटन करा पुलिस पोस्ट का, जो बनी है धांगूपीर में, इसको 90 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा एक आयुर्वेद हॉस्पिटल बनेगा कांगड़ा में, ये बनेगा सुली आली के अंदर, और एक वाटर सप्लाई स्कीम भी स्टार्ट की जाएगी, जिससे 60 हेक्टेयर जमीन जो देव भरारी और लोहारपुर पंचायत है उनमें सिंचाई के लिए ये वाटर सप्लाई स्कीम स्टार्ट की गई है। हिमाचल प्रदेश में लद्दाख जो है, लद्दाख वैसे पर्वतों की श्रृंखला का नाम है और जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे उसे बोलते हैं लेह। लेह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ के बाद बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लेह। लेह में स्नो हार्वेस्टिंग मॉडल शुरू किया गया है। देखिए, स्नो हार्वेस्टिंग मॉडल क्या होता है? जो बर्फ़ है हम उसको वेस्ट नहीं होने देंगे, हम उसको जमा करेंगे। जैसे पानी को हम जमा करते हैं, रेन का पानी होता है, उसी तरह बर्फ़ को भी हम जमा करेंगे, क्योंकि जो बर्फ होती है उसका जो पानी होता है वो काफ़ी हद तक साफ होता है और फिर उससे पानी की सप्लाई को कम किया जा सकता है। आप जानते हैं लद्दाख जो है यहाँ पे जो बारिश है बहुत कम होती है, इसीलिए पानी की काफ़ी शॉर्टेज यहाँ पे हो जाती है। और 1 करोड़ रुपया इस पे खर्च किया जाएगा स्नो हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर। अब ये जो कोल्ड डेजर्ट एरिया हैं लद्दाख में, जैसे किन्नौर है या लाहौल स्पीति है, इनमें बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट, पानी कम हो गया है, पीने का पानी काफ़ी कम हो गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत देखिए क्या होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत स्नो हार्वेस्टिंग टेक्निक एडॉप्ट की जाएगी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के पुह रीजन के अंदर, जो चाइना बॉर्डर के पास है, जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, जिस वजह से जो सेब की खेती है वो करना मुश्किल हो जाता है। और हिमाचल प्रदेश में जितना भी जो फ्रूट उगता है सबसे ज़्यादा सेब की खेती होती है। इंडियन एयरफोर्स और हिमाचल प्रदेश के पर्यटन डिपार्टमेंट ने, पर्यटन विभाग ने एक आपस में करार किया है, आपस में इन्होंने हाथ मिलाया है, ये अब दोनों एडवेंचर को प्रमोट करेंगे, याद रखिए। और यहाँ पे ये लिंक भी आ रहा था, मैंने ये टाइम्स ऑफ इंडिया से ली है, ये न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आई थी। इंडियन एयरफोर्स, हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं BS धनुआ और हिमाचल प्रदेश के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, आपस में मिलकर इन्होंने एक MOU साइन करा है, ये अब एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे। तो एडवेंचर स्पोर्ट आप जानते हैं किस तरह के स्पोर्ट होते हैं ये, और हिमाचल प्रदेश में कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट खेले जाते हैं, स्कीइंग होता है, पैराग्लाइडिंग होता है, ये सब होते हैं। एक बात और याद रखिए, अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स, इनके कैप्टन रंधी सलूरिया, इन्होंने एक एक्सपेडिशन, ये इसके डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूट के, इनका नाम है रंधी सलूरिया, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया एक्सपेडिशन मनाल से। तो ये इसमें 6 दिन तक चलाइए और इसका पर्पस बस एक था कि हम हिमाचल प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ग्रीन टैक्स बैरियर, ये बेसिकली एक न्यूज़ ये आई थी
कि मनाली में एक आलू ग्राउंड है, वहां पे एक टैक्स बैरियर लगाया गया था, इससे करोड़ों रुपए का टैक्स कलेक्ट हुआ है, यानी लगभग 2004 से अब तक 30 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट हो चुका है, लेकिन इसको ढंग से लगाया नहीं गया है, तो इस पे हिमाचल प्रदेश की सरकार का काफी क्रिटिसिज्म हुआ है। तो बस आप ये याद रखिए कि मनाली के अंदर आलू ग्राउंड में एक ग्रीन टैक्स बैरियर लगाया गया था। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह कहा है कि आप मनाली से रोहतांग तक एक रोपवे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, जो मनाली से लेह जो रोड जाता है वहां पे दो पास आते हैं, एक आता है रोहतांग पास और एक आता है बारालाचला पास। तो जो मनाली रोहतांग है इस पे जो ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये कहा है कि आप यहाँ पे रोपवे स्टार्ट कर दो, उड़न खटोला स्टार्ट कर दो, ये कहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। इससे एक तो ट्रैफिक भी कम होगा मनाली रोहतांग रोड पे, और दूसरा ये कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा रोपवे से, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियां वगैरह जाती हैं उससे जलवायु परिवर्तन का चांस बना रहता है, और यहाँ पे सेफ भी नहीं है क्योंकि कई बार यहाँ पे जो भूस्खलन भी होता है यानी कि लैंडस्लाइड भी कॉमन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो रूरल हिमाचल है उसमें पर्यटन को बढ़ाने के लिए 628 करोड़ रुपए का लोन दे रहा है, ये अनाउंसमेंट करी हिमाचल प्रदेश टूरिज्म एंड सिविल एविएशन कमिश्नर मिस्टर दिनेश मल्होत्रा ने। उन्होंने कहा कि 19 पंचायत 7 डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल के, उनमें उनका शॉर्टलिस्ट किया गया है जिसमें ये इनिशिएटिव स्टार्ट होगा, यानी कि जो रूरल हिमाचल है उसमें पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा 19 पंचायत 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इनके अंदर हिमाचल प्रदेश ने 5700 करोड़ रुपए का प्लान बनाया है 2017-18 के लिए। ये प्लान एक्चुअली नीति आयोग ने बना के दिया है हिमाचल प्रदेश को, नीति आयोग बोलते हैं प्लानिंग कमीशन को, प्लानिंग कमीशन का नया नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरमैन होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री, वाइस चेयरमैन इसके राजीव कुमार, और इसके जो जो CEO हैं वो है मिस्टर अमिताभ कांत। तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए प्लान बनाया है, हिमाचल प्रदेश में खर्च किया जाएगा 5700 करोड़ रुपए। पिछले इस बार खर्च किया गया था 5200 करोड़, तो इस बार ये बढ़ा दिया है 500 करोड़, यानी कि लगभग 9.61% पिछले साल से ये ज़्यादा है। और इस बार प्रायोरिटी रखी गई है, सोशल सर्विस सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई है, ट्रांसपोर्ट को, एग्रीकल्चर को और हाइड्रो पावर को। तो जो टोटल पैसा हिमाचल प्रदेश पे खर्च किया जाएगा उसमें से 2213 करोड़ रुपए रखा है सोशल सर्विस सेक्टर के लिए, फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर पे लगभग खर्च होगा 1073 करोड़। जो थर्ड प्रायोरिटी है वो है एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज की, एग्रीकल्चर पे खर्च होगा 714 करोड़। हाइडल पावर, जो जल से बनने वाली जो ग्रेविटी डैम वगैरह बनते हैं उन पे खर्च किया जाएगा, ये रखी है चौथी प्रायोरिटी, और इस पे खर्च किया जाएगा 683 करोड़। इसके अलावा 1436 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा शेड्यूल कास्ट सब प्लान के ऊपर, 513 करोड़ ट्राइबल सब प्लान के ऊपर, और 70 करोड़ बैकवर्ड एरिया सब प्लान के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट जो है हिमाचल प्रदेश की, उन्होंने ये भी डिसाइड करा है विजन डॉक्यूमेंट 2030, विजन डॉक्यूमेंट 2030, जिसमें 7 साल का डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है और 3 साल का एक्शन प्लान है, ये भी प्रिपेयर करेंगे हिमाचल प्रदेश की सरकार। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने ये डिसाइड करा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सबको 2030 तक पूरे करने हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने टारगेट रखा है हम इसको 2022 तक ही पूरे कर देंगे। टोटल है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब हिमाचल प्रदेश में पहली बार स्नो लेपर्ड देखा गया, स्नो लेपर्ड। देखिए, स्नो लेपर्ड और नॉर्मल जो लेपर्ड होता है उसमें यह फर्क होता है कि स्नो लेपर्ड जो होता है वो चिल्लाता नहीं है, जिसे बोलते हैं वो गरजता नहीं है, स्नो लेपर्ड ठंडी जगहों पर रहता है। हिमाचल प्रदेश के मियार वैली में ये देखा गया, और ये पहली बार है जब हिमाचल प्रदेश के अंदर स्नो लेपर्ड देखा गया है। और इसके अलावा ये जंस्कार वगैरह में, जम्मू कश्मीर में भी देखा जाता है कई बार, लेकिन मियार रीजन में ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार देखा गया है। और ये कहाँ देखा गया, उदयपुर विलेज जो है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कैलोंग लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से 52 किलोमीटर दूर है। अब एक बात और याद रखिए, बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूँ, स्नो लेपर्ड जो है पहले लुप्त प्राय था, एंडेंजर्ड था, लेकिन अब IUCN ने, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ने इसका स्टेटस चेंज करके अब इसे वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि एंडेंजर्ड वाले जो होते हैं ये काफ़ी लुप्त प्राय होते हैं, ये अब वल्नरेबल जो है इससे कम खतरे में होते हैं। एक बात और याद रखनी है, कैमरा लगाए गए हैं स्पीति वैली में जगह जगह स्नो लेपर्ड्स को कैप्चर करने के लिए, और जो स्नो लेपर्ड की डेंसिटी है वो है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर 1, यानी 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में स्पीति वैली में सिर्फ 1 स्नो लेपर्ड है, ये इनकी जो डेंसिटी है यहाँ पे। अब एक बात और, स्नो लेपर्ड के लिए सरकार ने, भारत सरकार ने एक सर्वे भी ऑर्डर किया है।
ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून के अंदर है उनके साथ मिलकर सर्वे किया जाएगा। इसमें जो लेपर्ड हैं हिमाचल में उनका नंबर एस्टिमेट किया जाएगा, तो नॉर्मल लेपर्ड का भी किया जाएगा और स्नो लेपर्ड का भी किया जाएगा, दोनों का किया जाएगा। आखिरी सर्वे 2004 में हुआ था, जो इस दिशा में आखिरी सर्वे है वो 2004 में हुआ था। और फिर जब सर्वे हुआ था तो फिर इसकी रिपोर्ट भेजी गई थी और जो एक्सपर्ट्स हैं फ्रॉम द नेचर कंजर्वेशन मैसूर उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था और ये इसकी नोडल एजेंसी थी। वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया से भी परमिशन इसकी मिल चुकी है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जो लेटेस्ट सर्वे होगा लेपर्ड और स्नो लेपर्ड का, ये एकदम फ्रेश फिगर देगा कि हिमाचल में कितने लेपर्ड हैं और कितने स्नो लेपर्ड हैं। जो पुराना सर्वे था उसके हिसाब से हिमाचल प्रदेश में स्नो लेपर्ड हैं टोटल 35, और पुराने सर्वे के हिसाब से जो लेपर्ड पॉपुलेशन थी हिमाचल में 2004 में वो थी 785 और स्नो लेपर्ड थे 35। और ये एक एनजीओ है जिसका जो हेड करते हैं विद्य अत्रेया, ये एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं। इनको ड्यूटी दी गई है कि वो लेपर्ड पॉपुलेशन को काउंट करें, उसको मैप करें। इस मैपिंग के हिसाब से ये चेक किया जाएगा कहीं हिमाचल प्रदेश में इनका नंबर ज़रूरत से ज़्यादा है या ज़रूरत से कम है, और उस हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। अगर ज़रूरत से कम है तो उनका नंबर बढ़ाने पे जोर दिया जाएगा, और ज़्यादा है तो फिर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो सकती है, उसको भी सुलझाने के प्रोविज़न किए जाएंगे। हिमाचल एकमात्र अभी तक राज्य है पूरे भारत में जिसने एक स्नो लेपर्ड के लिए पॉपुलेशन एस्टिमेट किया है। याद रखिए, स्नो लेपर्ड और भी जगह मिलते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में भी मिलते हैं और उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में मिलते हैं। हिमाचल जो है उसने 2906 करोड़ रुपए रखे हैं शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। इसमें कई तरह के प्रोजेक्ट शिमला के अंदर चलाए जा रहे हैं। याद रखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, 2906 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे शिमला के ऊपर। और इसमें से कैसे कैसे पैसा खर्च किया जाएगा, 1252 करोड़ रुपए ये शिमला के अंदर जो लोअर बाजार है, सब्जी मंडी है, गंज बाजार है और कृष्णा नगर एरिया है, उसको डेवलप करने के लिए किए जाएंगे। यहाँ पे होटल बनाए जाएंगे नए नए और कमर्शियल एरिया बनाए जाएंगे। 1280 करोड़ रुपए जो हैं ये, इसके अलावा जो रेट्रोफिटिंग है वो की जाएगी शिमला में, जो सर्कुलर रोड है उनकी, और 3 ट्रांजिट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके अलावा 4 रोड बनाए जाएंगे संजौली से लेके मशोबरा, छोटा शिमला से कुसुमती, क्रिकुलर रोड और ओल्ड बस स्टैंड रोड। टोटल इन रोड्स की लेंथ होगी 41 किलोमीटर। एक रोड होगा संजौली से मशोबरा, दूसरा होगा छोटा शिमला से कुसुमती, और एक होगा सर्कुलर रोड और एक ओल्ड बस स्टैंड रोड। टोटल 41 किलोमीटर के रोड, इन पे खर्चा किया जाएगा 1280 करोड़ रुपए। एक और चीज़ की जाएगी, 197 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। इसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, वाईफाई दिया जाएगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया जाएगा। 15 सेफ शेल्टर भी बनाए जाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट के तहत, यानी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सेफ शेल्टर। लैंडस्लाइड सेंसर लगाए जाएंगे जिससे अगर कहीं लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है, तो सरकार पहले ही पब्लिक को इंटीमेट कर सकती है। हिमाचल प्रदेश जो है उसने इंटरव्यू अब खत्म कर दिए हैं क्लास 3 और 4 पोस्ट के अंदर। याद रखिए, ये डिसीजन हो गया है, अब जो रिटर्न एग्जाम होगा बस वही होगा, उसी के हिसाब से आपका जो मेरिट है वो आएगा। इंटरव्यू नहीं होंगे क्लास 3 और क्लास 4 पोस्ट के लिए। प्रोफेसर शशिकांत शर्मा ये गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत उनके एडवाइजर बन गए हैं, ऑनररी एडवाइजर। प्रोफेसर शशिकांत शर्मा जो है ये प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर, और अब ये एडवाइजर बन गए हैं गवर्नर को राजभवन के अंदर। धर्मशाला जो है ये भारत का पहला शहर बना है पूरे भारत का जहां पे सेंसर बेस्ड डस्टबिन बनाए गए हैं। 225 अंडरग्राउंड डस्टबिन बनाए गए हैं, ये टेक्नोलॉजी हमने ली है हॉलैंड से। तो ये सारी चीजें याद रखिए, हॉलैंड यानी नेदरलैंड, इसको हम नेदरलैंड भी बोलते हैं, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। यहां पे जो लोग रहते हैं उन्हें हम डच बोलते हैं, और ये धर्मशाला में हर जगह जगह लगाए गए हैं। ये ऑटोमेटिक डस्टबिन है, तो अभी 225 अंडरग्राउंड डस्टबिन जो हैं ये इंपोर्ट किए गए हैं, इनमें से 170 ऑलरेडी इंस्टॉल किए जा चुके हैं। और ये हैं क्या डस्टबिन, देखिए डस्टबिन ये हैं कि इनमें सेंसर टेक्नोलॉजी लगी हुई है। जैसे ही डस्टबिन भरेगा वैसे ही तुरंत मोबाइल फोन पे मैसेज आ जाएगा कि डस्टबिन भर गया है ऑटोमेटिक, उससे इसकी सफाई फिर हो पाएगी। क्योंकि एक बार डस्टबिन भर जाता है तो लोग फिर डस्टबिन के आसपास कचरा फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, उससे जो पहाड़ हैं वो गंदे होते हैं, प्लास्टिक जो है वो पहाड़ों के अंदर चला जाता है और उनसे बदबू भी आनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए ये अलग तरह के खास डस्टबिन है जो लगाए गए हैं, और ये ऐसा करने वाला धर्मशाला भारत का पहला शहर बना है। एक हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज करी गई रिज मैदान शिमला के अंदर, और ये इसलिए की गई क्योंकि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया हिमाचल पुलिस ने एयरटेल कंपनी के साथ एसोसिएट होके। रिज मैदान शिमला के अंदर है, यहाँ पे मैराथन हुई
और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ड्रग्स एब्यूज़ से निपटने के लिए और इलिसिट ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए उसमें, और इस बार इसका मैराथन का थीम था ड्रग फ्री हिमाचल और इसका मोटो था नो एक्सक्यूज़ फॉर ड्रग एब्यूज़। हमें ड्रग फ्री हिमाचल बनाना, ये इसका थीम था और मोटो था कि ड्रग एब्यूज़ अगर आप करते हैं तो उसका कोई भी आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं होगा। और इसमें हाफ मैराथन हुई 21.5 किलोमीटर की, एक मिनी मैराथन हुई 10 किलोमीटर की और एक ड्रीम रन हुआ 3 किलोमीटर का। कुथैर ग्राम पंचायत को नेशनल अवार्ड मिला है रूरल डेवलपमेंट के लिए। जो कुथैर ग्राम पंचायत है ये नगरोटा सूर्यन डेवलपमेंट ब्लॉक के अंदर है, जवाली के अंदर, इसे नेशनल अवार्ड दिया गया है रूरल डेवलपमेंट के लिए मनरेगा स्कीम के तहत, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत। ये एकमात्र ग्राम पंचायत है हिमाचल प्रदेश की जिसे अवार्ड मिला है, तो याद रखिए कुथैर ग्राम पंचायत। इस पंचायत को और भी अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे रूरल अवार्ड मिला है, वाल्मीकि अवार्ड मिला है, क्योंकि इन्होंने ग्राम पंचायत को दिए जाने वाले धन का सही इस्तेमाल किया। इसके अलावा इन्हें राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा अवार्ड 2017 भी मिला 24 अप्रैल के दिन, जब पंचायती राज डे सेलिब्रेशन हुए थे, क्योंकि 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ओलंपिक खेल हमीरपुर के अंदर खेले गए, इसमें ये ओलंपिक गेम लोकल लेवल के हिमाचल ओलंपिक गेम है ये, और जो पूर्व WWE सुपरस्टार खाली, जिनको बोलते हैं द ग्रेट खाली, और गवर्नर आचार्य देवव्रत, उन्होंने इनॉग्रेट करे। ये सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के स्टेट ओलंपिक गेम्स हैं, 22 जून को आयोजित किए गए 2017 को। 5 दिन तक ये चले, 5 दिन तक एक ओलंपिक टॉर्च रन ऑर्गेनाइज की गई हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा। ये जो दौड़ हुई शिमला से लेकर हमीरपुर तक हुई और इसका स्लोगन था खेलेगा युवा जीतेगा हिमाचल, खेलेगा युवा जीतेगा हिमाचल। 11 स्पोर्ट्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, एक है हॉकी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, जूडो, कबड्डी, वॉलीबॉल, रेसलिंग, खो खो, वेटलिफ्टिंग और शूटिंग। शिमला ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हिमाचल ओलंपिक्स के अंदर, 20 गोल्ड मेडल शिमला ने जीते, और जो टोटल मेडल शिमला ने जीते 20 गोल्ड 10 सिल्वर 14 ब्रॉन्ज, तो टोटल जीते 44 मेडल। मंडी आया दूसरे नंबर पे, मंडी डिस्ट्रिक्ट, इन्होंने जीते टोटल 38 मेडल, और तीसरी पोजीशन मिली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को 28 मेडल्स। हिमाचल प्रदेश के अंदर वर्ल्ड बैंक ने 1134 करोड़ रुपये का धन दिया है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, ये मैंने बताया था, इस पर डिटेल देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कैरी आउट किया जाएगा अगले 5 साल तक, यानी हिमाचल प्रदेश के 12 जिले हैं जो उनमें किया जाएगा, और हिमाचल प्रदेश में 12 ही जिले हैं तो सारे 12 के अंदर किया जाएगा अगले 5 साल तक किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में एक आधारशिला रखी गई सत्यानंद स्टॉक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की। सत्यानंद स्टॉक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बन रहा है? शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बन रहा है, थेओ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और जगह का नाम है कोट शिलारू गाँव, ये संधु में है, थेओ कॉन्स्टिट्यूएंसी शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे जो फल हैं उनका, उनकी पैदावार बढ़ाने की चेष्टा की जाएगी। इसमें कौन कौन से फल होंगे जिन पर ध्यान दिया जाएगा? इसमें एप्पल होगा, सेब, नाशपाती होगी और चेरी होगी, 3 फलों पे काम किया जाएगा, स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा कम्युनिटी इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, 19,560 हेक्टेयर प्रोजेक्ट एरिया है जिसमें सिंचाई की व्यवस्था दी जाएगी जिससे जो पौधे हैं वो ढंग से उग सकें, कम्युनिटी इरिगेशन फैसिलिटी। एक स्टेट लेवल कंक्लेव हुआ हिमाचल प्रदेश में शिमला के अंदर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर, यानी हम प्राकृतिक आपदा अगर हिमाचल प्रदेश में कोई आ जाती है तो हम उससे कैसे निपट सकते हैं, ये ऑर्गेनाइज किया स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल ने और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP ने मिलकर, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया शिमला के अंदर। इसका थीम था रेजिलियंट एक्शन प्लानिंग इंप्लीमेंटिंग द सेंडाई फ्रेमवर्क एट लोकल लेवल। जो सेंडाई फ्रेमवर्क है यूनाइटेड नेशंस का, हम उसे कैसे इंप्लीमेंट करके प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं, कैसे हम एक्शन प्लानिंग कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए, हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने हजार्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी एनालिसिस डोमेन बनाया है, ये प्रिपेयर करने वाला हजार्ड रिस्क, यानी कि जो अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए रिस्क वल्नरेबिलिटी उसकी कितनी है इसको एनालाइज करने वाला डोमेन बनाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला भारत का राज्य है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, जो मछली वाला जो डिपार्टमेंट है फिशरीज का, हिमाचल प्रदेश ने बैन कर दिया है, पोंग डैम में अब आप मछली नहीं पकड़ सकते। पोंग डैम, इसको महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं, इसका नाम महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप जो ग्रेट योद्धा थे उनके नाम पे रखा गया है। ये ब्यास नदी के ऊपर है शिवालिक हिल्स में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो इसमें अब आप मछली नहीं पकड़ सकते। वैसे भी इसमें हर साल 1 जून से 31 जुलाई तक मछली पकड़ना बैन था क्योंकि ये फिश ब्रीडिंग सीजन होता है, अगर आप फिश ब्रीडिंग सीजन के अंदर ही मछली पकड़ लेंगे तो फिशेज का नंबर कम हो जाएगा, उनके जो बच्चे हैं वो फ्लैजलिंग्स हैं, फिशलिंग्स जिन्हें बोलते हैं, वो बड़े नहीं हो पाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। और इल्लीगल मछली पालन ना हो इसके लिए एक पावर मोटर बोट भी इक्विप की गई है, साथ साथ
पूरी नजर रखी जाएगी अत्याधुनिक कैमरों से भी, और एक फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह भी बनाए गए हैं और 17 निगरानी की टीम बनाई गई है जिससे कोई ब्रीडिंग सीजन में मछली ना पकड़े पोंग डैम यानी महाराणा प्रताप सागर के अंदर। हिमाचल प्रदेश में एक फेमस IIT है जिसको बोलते हैं IIT मंडी। IIT मंडी के स्टूडेंट्स ने मिलकर एक कैंपेन चलाया क्लीन अप हिमालयाज, यानी हिमालयाज की हम सफाई करेंगे। और ये कैंपेन इन्होंने शुरू किया 12,000 फीट ऊंचा ब्यास कुंड से लेके, और डिस्कवर हिमालय नाम की एक NGO के साथ मिलकर इन्होंने किया। ये डिस्कवर हिमालय एक इको टूरिज्म प्रमोशन एजेंसी है। इस कैंपेन में कुछ बहुत सारी ऐसी ट्रैक साइट हैं, ट्रैकिंग साइट हैं जिनको क्लीन किया गया। तो ये इन्होंने गार्बेज इकट्ठा करा ब्यास कुंड से, बकर थाच से और धुंडी एरिया से, याद रखिए। और फिर जो वेस्ट जितना भी इकट्ठा किया उसको फिर म्यूनिसिपल काउंसिल मनाली को सौंप दिया गया। कंद्रोरी स्टील प्लांट ये शुरू हो गया है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसका नाम है कंद्रोरी स्टील प्लांट। ये लगाया है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो कि एक महारत्न कंपनी है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्टार्ट हो गया है। इसमें TMT जो सरिया है वो मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इससे लोकल लोगों को भी रोजगार मिलेगा। ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। उस वक्त स्टील मिनिस्टर होते थे रामविलास पासवान कांग्रेस की सरकार में 2009 में, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। और पहले आर्मी ऑफिशियल्स ने ऑब्जेक्ट किया था इसको, क्योंकि कंद्रोरी में एक ऑर्डिनेंस डिपो भी है, लेकिन फिर वो मान गए थे। ऑब्जेक्शन आर्मी ने 2015 में क्लियर कर दी थी और उसके बाद ये फाइनली इसको ग्रीन लाइट मिल गया था। एक बात याद रखिए, हमारी एक नेशनल स्टील पॉलिसी है, वो ये कि हमें अपना स्टील का उत्पादन भारत में 124 लाख MT से बढ़ा के हमें करना है 300 लाख MT। कब तक? 2031 तक। जिंजर पी टोमेटो और पोटैटो, इनको इंश्योरेंस कवर मिल गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। याद रखिए, ये फार्मर्स को रिलीफ दिया गया एक तरह का, कि अगर मौसम की वजह से या दूसरे कारणों से उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, जैसे बारिश से, कम या ज़्यादा बारिश से, हीट टेम्परेचर वगैरह से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से, हेल स्टॉर्म यानी कि ओले पड़ते हैं उनसे, या सूखा पड़ जाता है, तो फिर उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनका इंश्योरेंस कर दिया गया है। कौन कौन सी फसल के लिए किया गया है? जिंजर यानी कि अदरक, और पीज यानी मटर, पोटैटो यानी आलू, टोमेटो यानी टमाटर, इन पे ये किया गया है। ये स्कीम काफ़ी सब्सिडाइज है, इसमें सिर्फ 5% जो है वो सम आपको इंश्योर करना है, और या एक्चुअरियल रेट जो भी कम हो, और आपको पूरा का पूरा पैसा मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रीमियम ये दिया जाएगा किसान को, अगर उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो। अक्षित गौर ये बहुत ही एक 12वीं क्लास का बच्चा है, काफ़ी टैलेंटेड। इसने इंटरनेशनल माउंटेन बाइकिंग में हिस्सा लिया। ये पहला बच्चा है, ये अकेला इंडियन बाइकर है जिसने इसमें हिस्सा लिया, और सबसे कम उम्र का ये राइडर है जिसने इस रेस में हिस्सा लिया। 17 साल का है और ये यंगेस्ट राइडर बना जिसने इस क्रॉस कंट्री मैराथन स्टाइल रेस में हिस्सा लिया। इसको बोलते हैं रंबल इन द जंगल और ये श्रीलंका के अंदर होती है। भूटान की जो टीम है उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी को विजिट किया। याद रखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी को में भूटान के बच्चे आए वहाँ की जो एग्रो टेक्नोलॉजीज हैं उनको स्टडी करने के लिए। ये है कहाँ इंस्टीट्यूट? ये है पालमपुर में। तो पालमपुर को पालनपुर के साथ कंफ्यूज नहीं करना, पालनपुर है गुजरात में, पालमपुर है हिमाचल में। और इन्होंने आपस में चर्चा की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को लेकर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, टी गार्डन मैनेजमेंट को लेकर इत्यादि। अभी अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है हिमाचल प्रदेश में नया क्रिकेट स्टेडियम, इसका उद्घाटन करा हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने, जो पहले BCCI के प्रेसिडेंट थे। ये स्टेडियम बना है क्रिकेट का गुम्मा विलेज शिमला के अंदर। इसकी ऊंचाई है 5000 फीट समुद्र तल से ऊपर। ये जो एरिया है गुम्मा विलेज, ये सेब की और सब्जियों की खेती के लिए फेमस है। और आपने ऑलरेडी HPCA का जो धर्मशाला स्टेडियम है वो देखा होगा, जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस भी खेले जाते हैं। ऊना पहला डिस्ट्रिक्ट बना है हिमाचल में जिसने हेल्थ इंश्योरेंस, सेहत बीमा प्रोवाइड किया फिजिकली चैलेंज दिव्यांग जन को। याद रखिए, ये पहला बना है। इन्होंने 1213 फिजिकली चैलेंज जो पर्सन है उन्हें आइडेंटिफाई किया है। अगर उनकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा 2 लाख रुपए पर साल, याद रखिए। और इसके अलावा उन्होंने टोटल जो फैमिली मेंबर कवर किए हैं वो हैं 2892। बस मोटी बात यह है कि 3 लाख रुपए से इनकम कम होनी चाहिए, आप फिजिकली डिसेबल्ड होने चाहिए, तो आपको 2 लाख रुपए तक का साल का हेल्थ इंश्योरेंस सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। आपको प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा? सिर्फ साल में 257 रुपए पे करना पड़ेगा पर एनम बस। और अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए से कम है तो आपके लिए फ्री, आपका जो प्रीमियम है वो चिंतपूर्णी मंदिर भरेगा जो प्रीमियम है आपका। इसका नाम है स्वावलंबन स्कीम ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट।
गौ सदन बनाया है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी में, ये है पालमपुर के अंदर, इन्होंने बनाया है गौ सदन, बस नाम याद रखिए। लाहौल स्पीति जो है, नीति आयोग ने 100 वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं। मैं रिपीट करता हूं, देखिए भारत के 100 डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें सबसे ज्यादा रूरल कनेक्टिविटी कम है, रूरल रोड सबसे कम है, उनमें 100 वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट आया है लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश में यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो काम है वो उतने अच्छे से नहीं चल रहा, क्योंकि लाहौल स्पीति आ गया है 100 वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद पुअर रोड कनेक्टिविटी के अंदर। चंबा ये पहला पूरे भारत का पहला ऐसा शहर बना है चंबा जिसने फॉरेस्ट राइट्स को सेटल किया है। फॉरेस्ट राइट, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2016 के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया है। इसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनी थी और इसने कम्युनिटी राइट्स प्रदान किए हैं 7 फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ को, यानी फॉरेस्ट में रहने वाले 7 समुदायों को। ये समुदाय हैं भारमौर ट्राइबल रीजन के, भारमौर जो आदिवासी समुदाय हैं उसके, और 53 इंडिविजुअल राइट्स इन्होंने दिए हैं जो गरीब लोग जो जंगलों में रहते हैं लक्कर मंडी में डलहौजी के पास। इसके अलावा धौगरी कम्युनिटी है, धौगरी जो समुदाय है उसके ट्रेडिशनल वर्कर्स को भी यहाँ पे परमिशन दी गई है, कम्युनिटी राइट्स दिए गए हैं। ये बेसिकली फॉरेस्ट के अंदर चारकोल बनाते हैं जो लकड़ी से बनता है, और ये लक्कर मंडी में रहते हैं डलहौजी के पास, कई सदियों से रह रहे हैं, 40 साल 50 साल कई डेकेड से रह रहे हैं, और उनके फैमिलीज यहाँ पे सेटल हो चुके हैं। अब उन्हें फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनके डिमांड्स को फुलफिल किया गया है, और ये चंबा करने वाला ऐसा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है हिमाचल प्रदेश की, जिसको बोलते हैं HP स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी HPSLSA, इन्होंने एक असिस्टेंस सेंटर खोला है। इसका नाम इन्होंने रखा है न्याय संयोग। न्याय संयोग जिससे जो गरीब लोग हैं जो वकीलों को अफोर्ड नहीं कर पाते उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं संजय करोल, वो इसका काम देखेंगे। इसका नाम है न्याय संयोग। एक बात याद रखिए, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली अभिलाषा कुमार ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है किसी भी हाईकोर्ट की हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला है ये जो किसी भी हाईकोर्ट की भारत में ये बनी है चीफ जस्टिस। जो त्रिपुरा हाईकोर्ट है ये उसकी चीफ जस्टिस बनी है। नरेंद्र चौहान ये होंगे हिमाचल प्रदेश के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये 1984 बैच के IAS ऑफिसर हैं, इन्हें अपॉइंटमेंट इनकी सिलेक्ट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। ये बनेंगे हिमाचल प्रदेश के CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। एक जो हमारे जिन्हें वाटरमैन बोलते हैं, पानी को बचाने में इनका बहुत योगदान रहा है राजस्थान में, राजेंद्र सिंह, इनको बोलते हैं भारत का वाटरमैन यानी जल पुरुष। इन्होंने इतने सारे गांव वगैरह को सूखे से बचाया है। तो राजेंद्र सिंह ने एक फार्मूला दिया है हिमाचल प्रदेश को पानी की दिक्कत से निपटने के लिए। इसका नाम है चाल खाल और ताल। मैं रिपीट करता हूँ, चाल खाल और ताल। तो इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो शिमला है वहाँ पे एक पानी का कैचमेंट एरिया है जिसको बोलते हैं धल्ली। ये धल्ली 129 साल पुराना है, अंग्रेजों के ज़माने का है, लेकिन अभी तक ये शिमला में जो वहाँ के नागरिक हैं उन्हें पानी दे रहा है। इसी तरह से पूरे जो हिमाचल है उसमें चाल खाल और ताल होना चाहिए। चाल का मतलब है छोटे छोटे वाटर बॉडीज हमें बनाने चाहिए, खाल का मतलब है स्मॉल स्ट्रीम्स होने चाहिए, और ताल मतलब टैंक ये होने चाहिए। तो ये फॉर्मूला दिया है हिमाचल प्रदेश को पानी की समस्या से निपटने के लिए। टाटा जो है उन्होंने चंबा पावर प्रोजेक्ट से नाम वापस ले लिया है। ये 450 मेगावाट का डुग्गर पावर प्रोजेक्ट है जो ये पंगी में बना रहे थे चंबा के अंदर, अब ये नहीं बनाएंगे टाटा ने ऐसा सरकार को बोल दिया है। इसके अलावा जिंदल ग्रुप जो है ये 250 मेगावाट का कुटेहर पावर प्रोजेक्ट बना था चंबा में, इन्होंने भी सरकार को कहा है कि अब ये कुछ समय के लिए नहीं बनाएंगे। अब देखना होगा ये बनाते हैं कि नहीं, लेकिन अभी तो इन्होंने मना कर दिया है। 250 मेगावाट का कुटेहर पावर प्रोजेक्ट चंबा में जिंदल ग्रुप बना रहा था, और 450 मेगावाट का डुग्गर पावर प्रोजेक्ट पंगी एरिया में चंबा में बना रहा था टाटा ग्रुप। इसके अलावा जिंदल जो ग्रुप है उन्होंने करचम वांगटू और बसपा प्रोजेक्ट ये जो ओंड है किन्नौर में ये उन्होंने खरीदे थे JP से, और अब ये हाइड्रो पावर सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे थे। इन्होंने जिंदल ग्रुप ने JP ग्रुप से खरीद लिए थे करचम वांगटू और बसपा प्रोजेक्ट। ऊना एम अंदौरा रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हो गया है। ये जो रेलवे लाइन है इसका विद्युतीकरण शुरू हो गया है। अब यहाँ पे बिजली की जो तारें वो बिछाई जाएंगी। 35 किलोमीटर की लाइन है ऊना AMB आम और अंदौरा, ये रेलवे ट्रैक है, और यहाँ पे हिमाचल एक्सप्रेस वगैरह जो ट्रेन है और जो डेली पैसेंजर ट्रेन वगैरह हैं उनमें अब ये जो फोकस है इनका वो ये है कि बिजली से चलें। अभी ये जो है नांगल में
जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं उन्हें डीजल से रिप्लेस किया गया नंगल के अंदर। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 से 3 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा और इससे दूसरी ट्रेन भी है उनकी भी एक्सटेंशन पॉसिबल होगी। एक लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम कोट धवाल में स्टार्ट की है, इसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद ये इसका आधारशिला रखी, लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम। ये स्कीम जो है 77 हैबिटेशंस को बेनिफिट करेगी, 8 ग्राम पंचायत के लगभग पॉपुलेशन एरिया है जिनका 8500 से ज़्यादा। इसमें एक डबल लेन ब्रिज बनेगा जो ब्यास नदी के ऊपर बनेगा और ये लिंक करेगा बहारी लंगाना नेरी जोगिंदर नगर को और इसका नाम रखा गया है लाल बहादुर शास्त्री ब्रिज। सम्मान राशि फ्रीडम फाइटर की बढ़ा दी गई है। देखिए पहले जो फ्रीडम फाइटर है हमारे उन्हें हिमाचल प्रदेश फ्रीडम फाइटर सम्मान राशि योजना के तहत मिलता था 10,000 रुपये, अभी से बढ़ा के कर दिया गया है 15,000 रुपये। इसके अलावा जो अंतिम संस्कार करने के लिए फ्रीडम फाइटर के जो अमाउंट है वो 15,000 से बढ़ा के कर दिया है 25,000 रुपये। और अगर फ्रीडम फाइटर वगैरह की कोई वाइफ है उनके अंतिम संस्कार के लिए जो धन है वो 10,000 से बढ़ा के कर दिया है 20,000 रुपये। सोलर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम स्टार्ट की गई है हिमाचल प्रदेश में और जो फार्मर हैं जमलूही गांव के फतेहपुर ब्लॉक लोअर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के उन्हें कुछ भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा अपने फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए क्योंकि जो पंप होंगे वो अब चलेंगे सोलर पावर से, सोलर लिफ्ट इरिगेशन से। याद रखिए इसके लिए खास तरह के प्रोविजन इन्होंने किए हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। ये जो स्कीम है ये लगभग 7.22 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड को ये इरिगेट कर सकती है बिना कोई भी पैसा बिजली पे खर्चे। तो इससे फार्मर्स को राउंड द ईयर बिजली की सप्लाई हो सकती है और उन्हें ऑफ सीजन में भी बिजली मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश जो है वो केरल से आगे निकला ASER में। ये सब क्या है, देखिए केरल में सब जानते हैं सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, साक्षरता है, लेकिन अगर आप लर्निंग आउटकम्स देखें यानी पढ़ाई का जो रिजल्ट है वो क्या है तो हिमाचल प्रदेश में केरल से ज़्यादा है। ये अकॉर्डिंग टू मैं बता रहा हूँ स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2016। तो ये सर्व शिक्षा अभियान के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जो डायरेक्टर हैं घनश्याम चांद, उन्होंने अनाउंस किया। ये सबसे बड़ा सर्वे है, एनुअल हाउस होल्ड सर्वे बच्चों के लिए पूरे भारत के अंदर। देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आया। इसमें ये देखा गया इसमें जो रूरल इंडिया है उसके लगभग 15,630 गवर्नमेंट स्कूल्स को विजिट किया गया और 283 स्कूल्स को विजिट किया गया हिमाचल प्रदेश के अंदर, याद रखिए इस सर्वे के अंदर। और इसमें 15 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस सर्वे के अंदर। इस रिपोर्ट में ये देखा कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं हिमाचल प्रदेश में, 6 से 14 साल तक की उम्र के, उनकी जो एनरोलमेंट थी यानी वो स्कूल में कितना जाते हैं, 99.8% बच्चे एनरोल होते हैं स्कूल के अंदर। तो इस मामले में जो हिमाचल प्रदेश है उनकी फर्स्ट रैंक आई है यानी अचीविंग लर्निंग आउटकम्स इन बेसिक रीडिंग एंड मैथमेटिक्स के अंदर हिमाचल प्रदेश की रैंक 1 आई है। लैंग्वेज कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो अचीवमेंट लेवल है हिमाचल का वो है 65.3%, पूरे भारत का है 41.6%। इस मामले में भी अच्छा कर रहा है। मैथमेटिक्स के अंदर अचीवमेंट लेवल है हिमाचल का 47.4% और पूरे भारत का है 21.1%। यहाँ भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। सरकारी स्कूल जो है इन्होंने प्राइवेट स्कूल से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हिमाचल प्रदेश के मैथमेटिक्स के अंदर। इंग्लिश में हिमाचल पीछे है, इंग्लिश के मामले में हिमाचल प्रदेश है 5वें नंबर पे। इसका जो अचीवमेंट लेवल है वो नेशनल लेवल पे जो अचीवमेंट है वो है 15.3% और 44% है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन इंग्लिश के मामले में अभी भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन मैथमेटिक्स में और अचीविंग लर्निंग आउटकम इन बेसिक रीडिंग में हिमाचल प्रदेश भारत में केरला से भी आगे है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की हिमाचल प्रदेश के। इकोनॉमिक सर्वे एकदम ऑथेंटिक होता है, सरकार की तरफ से होता है, एकदम रियलिटी बताता है। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 का यानी 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 यानी वित्तीय वर्ष 2017 के लिए इकोनॉमिक सर्वे रिलीज कर दिया सरकार ने। तो इस साल में जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो ग्रोथ एस्टिमेट की गई वो है 6.8%। अगर हम 5 साल में देखें यानी 2012 से 2017 12वां पंचवर्षीय योजना यानी 12वां 5-ईयर प्लान, तो उसमें हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ एस्टिमेट की गई है 7.2%। और इस सर्वे में ये कहा गया है कि 31 दिसंबर 2016 तक हिमाचल प्रदेश में 8 लाख ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं। चलिए और बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में जितने भी फल उगते हैं उनमें 84% सेब उगता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 84% जितने भी फ्रूट उगते हैं वो एप्पल उगते हैं। और जो एप्पल का एप्पल कितने उगते हैं तो 2015-16 में 7.77 लाख टन एप्पल उगे। अगर मैं बात करूं फूड ग्रेन प्रोडक्शन की तो उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ, 1.6% हुआ 2015-16 के अंदर। अगर मैं हाइडल पावर पोटेंशियल की बात करूं, हिमाचल प्रदेश में पानी से बनने वाली ऊर्जा की पोटेंशियल है 27,436 मेगावाट, अभी तक लगी है सिर्फ 10,351 मेगावाट यानी अभी तक सिर्फ 37% ही हम अपनी पोटेंशियल रियलाइज कर पाए हैं यानी बिजली जो है हिमाचल प्रदेश में और बना सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश में कितने बैंक ब्रांचेज हैं? टोटल 2061 बैंक ब्रांचेज हैं, 30 सितंबर 2016 तक ये गिने गए हैं। और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है हिमाचल प्रदेश का 55.64, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 55.64। और एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच यानी कितनी जनसंख्या हर ब्रांच में जाती है हिमाचल प्रदेश की, वो है 3330, पूरे भारत में है 11,000, यानी रेशो काफ़ी कम है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू जो मोबिलाइज हुआ दिसंबर 2016 तक वो था 4,634 करोड़। दिसंबर 2015 से दिसंबर 2016 तक जो ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसमें इन्फ्लेशन जो थी, WPI इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो थी 3.4%। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हिमाचल का, वो 10% टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा है, यानी हिमाचल में जितना भी स्टेट GDP है उसका 10% आता है एग्रीकल्चर से। 14 लाख किसान क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं सितंबर 2016 तक। और वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम यानी WBCIS के तहत 36 ब्लॉक एप्पल के, 41 मैंगो के, 15 किन्नो और 13 प्लम के कवर किए गए हैं। टू चिल्ड्रन ऑफ शीप ब्रीडर यानी जो भेड़ पशुधन वाले फार्मर जो हैं, उनके दो बच्चे अगर वो क्लासेस 9 से लेके 12वीं तक स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें 1200 रुपये पर ईयर का मुआवजा दिया जाता है। 50% कैटल सब्सिडी प्रोवाइड की गई है 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सोलन, हमीरपुर और किन्नौर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है खासकर हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस के लिए। 6098 मछुआरे हैं जो मछुआरे फिशरीज पर निर्भर करते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। 43,471 हैंडपंप हैं जो इंस्टॉल किए गए मार्च 2016 तक। 576 मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री है हिमाचल में, और छोटे लेवल की इंडस्ट्री है 43,420। टोटल रोड लेंथ 31 दिसंबर 2016 तक हिमाचल में थी 36,256 किलोमीटर, ये है टोटल रोड लेंथ। हिमाचल प्रदेश में 10,190 गांव हैं जो रोड से कनेक्ट किए जा चुके हैं, और इसके लिए जो 2016-17 वित्तीय वर्ष में जो पैसा रखा गया वो था 912 करोड़। इसके अलावा जो HRTC है, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उसकी फ्लीट स्ट्रेंथ है हिमाचल प्रदेश में 3,012 बसें हैं, ये लगभग 2530 रास्तों पर चलती हैं और 5.54 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं एक दिन में। इसके अलावा 63 हेलीपैड हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में जो टूरिस्ट हैं वो आए लगभग 1.8 करोड़ पिछले साल में, और ये हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के लगभग 2.7 टाइम्स है। फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सिटी लेवल तक लड़कियों को, और इसमें वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज भी इंक्लूडेड हैं। बेटी है अनमोल स्कीम चलाई जा रही है, इसके तहत 11,359 लड़कियां अब तक बेनिफिट ले चुकी हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत 3,280 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड की जा चुकी है। बेटी है अनमोल योजना क्या है? इसमें जो गरीबी रेखा के नीचे परिवार हैं, BPL फैमिली, उनमें दो लड़कियों के लिए, ये दो लड़कियों तक के लिए दी जाती है। उनके बर्थ के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से उन्हें 10,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में जमा किए जाते हैं जिससे वो अपनी बच्चियों की परवरिश कर सकें। 10,000 रुपीज़ पर गर्ल BPL फैमिली के लिए, और ये जो लड़कियां हैं इन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है 300 रुपये से लेके 1200 रुपये तक, फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं क्लास तक, उनकी बुक्स के लिए और ड्रेसेस के लिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के कंप्लीट करंट अफेयर पिछले 7 महीने के, यानी कि जनवरी से लेके जुलाई तक के। अगस्त सितंबर वगैरह के जब ये महीने खत्म होंगे तो मैं फिर कोई ना कोई वीडियो हिमाचल प्रदेश के ऊपर ज़रूर बनाऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिख के आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।